Who was the the best best captain captain. for India? You you have to go with Dhoni Dhoni changes it makes Mahendra Singh If you see hmm. him as a keeper, पहले वो है कर ले, लेकिन जब तेरे से नहीं, नहीं हो पाएगा तो फिर मेरी सुन ले फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है That is exceptional. दूसरा part ये कि Dhoni के लिए कितने लोग खेलना चाहते हैं तो

फेवरेट मोमेंट सो द बिगेस्ट हाई देट आई गेट वेन आई प्रडिक्ट समथिंग सुपर ओवर था शायद मोहम्मद नबी बैटिंग कर रहा था जसप्रीत बुमराह उनके सामने थे आई कॉल दी एंटायर ओवर छः की छः बॉल

इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा ये बड़ा चैनल होगा और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएं आगे बढ़ने से पहले राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी-छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में हम आपको ज्यादा ज्यादा नॉलेज दे पाएं और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं एंजॉय द शो हां मुझे थोड़ा बचपन के बारे में बताओ कि कितने साल के थे जब यह सोचा है क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट के वर्ल्ड से एसोसिएट हो <laughs> मैं छः साल का था एक्चुअली छः साल में साल के लिए है क्रिकेट खेलना है। हाँ क्यों, क्यों खेलना है क्योंकि कपिल पाजी uh, 1983 नाइनटीन एटी थ्री वर्ल्ड कप कपिल पाजी ने ट्रॉफी उठाई और uh, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों ने उस समय सोचा था कि हम सबको क्रिकेट खेलना है सबको कपिल देव बनना है सो आई वॉज वन ऑफ देम कि मुझे भी बनना है तो कोशिश मैंने की कि मैं पहले कपिल पाजी जैसे ही काम करूँगा मतलब बॉलिंग भी करनी है उन्हीं के स्टाइल से बैटिंग भी करनी है एंड ऑल ऑफ दैट तो छः साल की उम्र में एक्चुअली मेरा पहला जो जो दिल में अरमान जगे थे कि भाई आई हैव टू प्ले क्रिकेट और सात साल की उम्र में सो एक साल तो माँ बाप ने देखा कि क्या कर रहा है बच्चा कितना इंटरेस्टेड है एट hmm. सेवन वो मुझे मेरे कोच के पास लेके गए ओके बैक इन द डे सात साल आठ साल नौ साल के बच्चे को ना कोच एंटरटेन भी नहीं करता है शक्ल भी नहीं देखता है उस टाइम में हाँ, चांस ही नहीं है कह रहे क्रैश थोड़ी ना यार वो एक्चुअली टोल्ड माई डैड कि सर बाकी सब कुछ ठीक है बच्चे मतलब क्रैश नहीं है ये ये छोटे बच्चों को नहीं रखते हैं, हैं। <laughs> हम तो सात साल की उम्र में उन्होंने मुझे आ, क्योंकि ले गए एंड थोड़ा कनेक्शन था तो जिस कॉलेज में, में मेरे इवेंचुअली कोच साहब जो थे आ, कॉलेज में कहीं वो भी जॉब करते थे तो कॉलेज में किसी और को हम भी जानते थे तो उनके थ्रू अच्छा नहीं प्लीज़ मिल लो सात साल का हमारा छोटा सा बच्चा मिलने आ रहा है प्लीज़ मिल लो तो उन्होंने मुझे कैच पकड़नी सिखाई कि बेटा ये लो कैच पकड़ो और जाओ Hmm. That's it. तो यार ये सही है तो दो साल मैंने सिर्फ कैच पकड़ी फ्रॉम सेवन टू नाइन तो, तो सात साल की उम्र में उन्होंने मुझे नहीं एक्चुअली छः साल की उम्र में उन्होंने कैच पकड़नी सिखाई सिक्स में उन्होंने सिखाई एक साल मैंने कैच पकड़ी सात साल की उम्र में took टुकमी की चल अंडर सिक्सटीन के ट्रायल पे चलते हैं अंडर फिफ्टीन होता था सिक्सटीन नहीं okay. था. अंडर फिफ्टीन के ट्रायल पे चलते हैं दिल्ली के ट्रायल से hmm. और ये आगरा में थे आप मैं नहीं अब दिल्ली शिफ्ट हो गया दिल्ली अब आगरा में दो साल का था तब शिफ्ट हो गया इन दी okay. तो उन्होंने वो बी आर एस वगैरह ली और ही केम टू डेली तो हम डेली में थे तो एक साल तो मैंने कैच पकड़ी छः से सात mm. मैंने सिर्फ कैच पकड़ी और कुछ नहीं किया और सात साल की उम्र में कुछ गली के लोग ले जा रहे जा रहे थे ट्रायल व्रायल थे कुछ ओपन mm. ट्रायल्स हुआ करते थे उस टाइम में तो चले गए तो कोटला जो आज का कोटला है वो ऐसा कोटला नहीं था अलग कोटला था एक मेन ग्राउंड उसके साथ एक छोटा ग्राउंड एक और छोटा ग्राउंड कोटला वन कोटला टू कोटला थ्री सो कोटला टू में ये कैच सो फर्स्ट डे ओपन ट्रायल्स में गए तो डैड को बता के लेगा कि भाई बच्चे को ले जा रहे हैं जी हम आकाश को लेके जा रहे हैं और सेवन तो जो जिन कोच साहब ने मुझे एक साल पहले मिस्टर तारक सेना एक्चुअली तो उन्होंने मुझे कैच पकड़नी सिखाई थी ही हैपन टू बी द कोच एट दैट टाइम तो दिल्ली के कोच थे अच्छा तो कोच थे तो उनका काम था सिलेक्शन का प्रोसेस wow. दे, देख रेख करना सो फर्स्ट डेज का जो एलिमिनेशन प्रोसेस था उसमें था कि कैच मारेंगे बहुत ऊपर hmm. जो पकड़ेगा वो अगले दिन आएगा जो नहीं पकड़ेगा वो घर जाएगा ओके सर थाउजेंड्स ऑफ किड्स मतलब कैसे करोगे नहीं तो एलिमिनेट सबको बैटिंग कराओगे सबको बॉलिंग कराओगे और तो फिर तो आई मीन महीना चलेगा ट्रायल तो पहला एलिमिनेशन का जो राउंड था वो था कैच पकड़ो पकड़ ली तो ठीक है नहीं तो घर जाओ ठीक है इंटरेस्टिंगली इनफ सबको एक एक कैच दे रहे थे आ, इतना सा होगा मैं स्टम्स की हाइट का था मैच ठीक है छोटा सा तो उन्होंने पहली बॉल मारी बहुत ऊंची मारी मैंने पकड़ ली क्योंकि मैंने एक साल किया यही काम था मैंने कैची पकड़ी थी तो बहुत सारे लोग वहां बैठे सबने ताली बजाई अरे क्या छोटा सा बच्चा क्या कमाल का है तो सात साल का बच्चा ऐसे छोटा सा हाथ से तो मतलब बड़ी बॉल बॉल है उसकी पकड़ ली उसने लेदर तो सर को लगा कि ये फ्लूक में फंस गई है इस बच्चे को घर भेजना है एक और पकड़ तो उन्होंने मुझे एक और कैच कराई फिर कर मैंने फिर पकड़ ली तो उनके लिए मजबूरी थी कि अगले दिन बुलाया उन्होंने कि अब तो आना ही पड़ेगा क्योंकि कीपर तक मेरा थ्रो नहीं पहुंच रहा था कीपर दूर था बेचारा वो मैं कहाँ से सात साल का बच्चा थ्रो मारेगा पर कैच में पकड़ ले रहा हूँ तो नेक्स्ट डे फिर मेरे फादर गए साथ में ये कि भैया कहाँ लेकर जा रहे हैं पहले तो उन्होंने सोचा चलो पहले दिन गए हैं सेकेंड उन्होंने कहा जी इनका ना आकाश का ना सिलेक्शन हो गया तो नेक्स्ट डे भी जाना है कह रहे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं कॉलोनी के कॉलो, 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 बच्चे जो सारे उठा के बड़े बड़े भैया तो पापा साथ गए तो फिर वहाँ उस्ताद जी से मिले उस्ताद जी ने कहा जी तो मेरे को तीन बॉलें खेलने को मिली बैटिंग में तो एक तो सर के ऊपर से निकल गई दूसरी में बॉल पीछे लेने गया मुझे पता नहीं था लेने नहीं जानी होती है दूसरा बॉलर आ जाता तो किसी और ने एक और बॉल डाल दी <laughs> फिर एक बॉल शायद मैंने बैट से खेली होगी तो उन्होंने कहा आ जाओ बाहर हो गया तुम्हारा <laughs> तो, तो नहीं हेलमेट नहीं है स्टम्स की हाइट की सर के ऊपर से बॉल निकल जा रही है तो मुंह पे लग जाएगी <laughs> तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो अपने इसको दो साल के बाद लाना अभी तो सात साल का है आप दो साल के बाद हमारे क्लब में ले आना तो फिर व्हील लुक ठीक है मैं भी ढीट था मैं जैसे नौ साल गाँव फिर पहुंच गया तो नौ साल का भी आई वॉज द यंगेस्ट तो वहाँ पे वो नौ साल के भी नहीं रखते थे बच्चों को पर क्योंकि ये इतना ज़िद्दी बच्चा है जो छः साल में कैच पकड़नी सीख रहा था सात साल में फिर पापा आ गए कह रहे कि अच्छा सर देख लो कुछ कर सकते हो तो करा देते हैं प्रैक्टिस तो नौ साल में उन्होंने कहा रख ही लो ये जाएगा नहीं ये यहीं रहेगा सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड कि भाई तो so, नौ साल से मेरी फॉर्मल एक्चुअली ट्रेनिंग शुरू हो गई थी एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स एक्चुअली है उससे पहले भी आई डेंट प्लेविट टेनिस बॉल क्योंकि सोच ही नहीं थी कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेलनी भी है जब से बॉल पकड़ी था तो लेदर बॉल से खेलना है इंडिया के लिए खेलना है तो यही काम करना है दैट्स अबाउट इट इट वॉज एट ऑल क्योंकि जब गली क्रिकेट के लिए बच्चे खेलते थे तो मैं क्लब प्रैक्टिस करने जाता था तो यू हैड टू मेक योर चॉइस कि आप बच्चों के साथ गली में खेल रहे हो

उस टाइम पे तो इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ही था आज भी नहीं है इतना ज़्यादा क्रिकेट के लिए थे, तो भी पीपल आर स्टिल ए गिविंग सम प्रेफरेंस हुँ. पर उस टाइम पे फिर पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं ये क्या बचपन से क्रिकेट खेलना है या एयरफोर्स में से तो प्रॉबली घर वाले भी ये चाहते थे कि आप भी वही बनो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली तो आ, भारत में मतलब अभी भी ऐसा होता है पर इससे पहले इन माय टाइम मतलब माय टाइम ओल्ड नाउ तो वहाँ पे तो हंड्रेड परसेंट ये था कि एक बच्चा नहीं खेलता उसकी पूरी फैमिली खेलती है भैया yeah. खेलनी पड़ेगी क्योंकि फैमिली दे इन्वेस्ट देम सेल्स इन इट तो जब डैड ने छोड़ी एयरफोर्स सो ठीक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली नॉट अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली और uh, उसके अंदर आई वेरी गुड इन स्टडीज तो भाई अच्छा करता था मैं तो मॉम वॉन्टेड कि भाई मैं डॉक्टर बनूँ hmm. uh, क्योंकि मॉम जो थे वो बिजनेस बैकग्राउंड से आ रही थी फादर भी उनके बिजनेसमैन पाकिस्तान में थे पहले फिर यहाँ आए और uh, डैड को उन्होंने देखा था अच्छा ये सर्विस में ये होता है और uh, तो उन्होंने वो एयरफोर्स साइड ऑफ थिंग्स देखी शी वॉन्ट मी टू बी अ डॉक्टर पर बिटवीन द टू ऑफ देम आई डोंट नो वाई पर उन्होंने डिसाइड किया कि आकाश को अगर ये करना है तो करने दो और uh, और सपोर्ट है एंड इट वॉज इनक्रेडिबल कि एक्चुअली उन्होंने इतना सपोर्ट किया जितना आइडियली uh, मतलब इट इज़ टफ टू टफ टू फैदम कि आप क्यों ही करोगे इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि द बिजनेस वेंट थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स मेजर डाउन्स तो वहाँ पे तो लगता है कि यार एक आपका बेटा है कुछ काम कर रहे हो आपका बिजनेस है एक और आपके साथ कोई होता तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर sure. होता यू नो हाउ इट इज मोर द मैरियर और खास तौर से अगर फैमिली की हो तो और भी अच्छा है अब बच्चा पढ़ाई में अच्छा है चलो वो कर ले uh, क्यों रिस्क ले रहे हो hmm. तो बहुत सारे लोग आसपास के लोग ज़रूर बोलते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा कि यू हैव इन्वेस्टेड योर एंटायर फैमिली इन इट कि टाइम एफर्ट मनी सब कुछ है कि समर वेकेशन ही नहीं थी एक्चुअली फ्रॉम द एज ऑफ नाइन हमारी कोई समर वेकेशन नहीं हुई कोई ऐसा समर वेकेशन का कोई ट्रिप नहीं हुआ तो वो मेरा अकेले का नहीं है पूरी फैमिली का है मतलब माई सिस्टर वॉज देयर एज वेल तो उस बिचारी को भी जाने का मौका नहीं मिला क्यों क्योंकि अगर समर में तो दो महीने लगातार प्रैक्टिस होती है तो आकाश की प्रैक्टिस मिस हो जाएगी

उंट ऑफ सेल्फ बिलीव गॉड नोज वाई पर यह तो होगा ही मतलब यार बहुत लोग नहीं अच्छा करेक्ट राइट right. तो मेरे साथ के लोग थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह आई ऑलवेज फेल्टन आई एक्चुअली बिलीव कि मेरे साथ के जो कई सारे लोग थे जो मेरे साथ टैलेंटेड थे वो ये बैटिंग करते थे तो बहुत अच्छा करते तो बड़ा दिख सुपर दिखते थे मैं उतना अच्छा नहीं दिखता था खेलते हुए तो मैं खुद को उनके साथ अपने साथ अपनी आंखों में कंपेयर कर दूँगा तो मुझे लगता है यार ये लड़का तो बहुत बेटर खेल रहा है मेरे से इंटरेस्टिंगली हम सब बहुत सारे लोगों की जर्नी एक साथ शुरू हुई उनमें से बहुत सारे मेरे ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे उनमें से कोई भी दिल्ली के लिए भी नहीं खेला और हैंडेड अप प्लेइंग फॉर इंडिया तो उसमें जो बिलीफ था वो इस बात पर था कि हार्ड वर्क में आई विल नेवर लीव अ स्टोन अन टर्न तो वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि उसमें नंबर वन में हूँ गारंटी है ये सेट की मेहनत करने में मैं कमी नहीं छोड़ता मैं हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा था करेक्ट ये थॉट्स तम कहाँ से होता है हर किसी के चाइल्डहुड में कुछ तो इंसिडेंट होता है या कहीं पे वो देखते हैं आसपास पास जिसकी वजह से लगता है कि यार मैं ये नहीं छोड़ूंगा uh, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डोंट नो कहाँ से आई थी वो बहुत पहले आ गई थी कि दे आर एक्चुअली ट्रस्टिंग मी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो इट जस्ट बिकेम माई फेबरिक कि पढ़ाई फॉर एग्जाम्पल मुझे आज तक किसी ने कभी पढ़ने के लिए बोला ही नहीं नेवर मैंने कोई ट्यूशन ली ही नहीं स्कूल आफ्टर एट स्टैंडर्ड माई फादर वेंट टू स्कूल मोर देन आई डिड कि टीचर बुलाती है और बोलते है, आपको पता है आपका बच्चा नहीं आ रहा है हाँ जी नहीं आ रहा है खेल रहा है तो फिर तो हम पढ़ने नहीं थे तो उसको उस रोल नंबर नहीं देंगे रोल नंबर होता था उस टाइम पे टेंथ का रोल नंबर मिलता था कह रहे नहीं देंगे कह रहे नो नो आई गिव यू इन राइटिंग कि मेरा बेटा ठीक करेगा तो ही वुड एक्चुअली गिव इट इन राइटिंग कि इसको होने होने दो दो मैनेज तो वो जो हील मैनेज वो कर लेगा मैं आई फेल्ड वेरी रिस्पॉन्सिबल की जब वो कह रहे हैं मैं कर लेगा तो मैं कर लूंगा फिर होना है वो आई विल डू इट ओके कमिंग टू क्रिकेट अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट तो आपने खेला बहुत लंबे समय तक खेला एट फिर टीम इंडिया के लिए खेला कितने टाइम तक इंडिया के लिए खेला uh, हाँ मैंने खेले दस टेस्ट मैच इंडिया के लिए uh, एक साल में हो गए थे दस uh, जिसमें स्टार्ट हुई वर्सेज न्यूजीलैंड एट होम उसके बाद नेक्स्ट टोर वॉज ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड बेसिकली वो टोर भी जो था वो न्यूजीलैंड हैड कम टू इंडिया तो वो ट्रायल सीरीज थी ऐसा था कि यहाँ पे अच्छा करोगे तो फोकस जो था इंडियन टीम का उस समय वो शुरू हो गया था टाइम हैड चेंज यज टू थाउजेंड एंड थ्री कि बाहर क्या करते हो वॉज मोर इम्पोर्टेंट तो सब कुछ जो था वो अलाइन इस तरीके से होता था, था कि ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका में इंडिया क्या करेगी सो दैट माइंड सेट वॉज ऑलरेडीट हैड ऑलरेडी चेंज्ड तो न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के वापस आते ही पाकिस्तान सो इवेंट टू पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद देर वॉज अ लिट बिट ऑफ ब्रेक छोटा सा बीच में गैप था और फिर ऑस्ट्रेलिया आई इंडिया सो दैट वॉज माई लास्ट सीरीज़ तो टोटल दस पार्टीट सिलेक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली तो अगेन और सी एक है एक पार्ट उसका स्टोरी का हमेशा पार्ट ये रहेगा कि द ओनली वे टू गेट सेलेक्टेड इन इंडिया इज टू परफॉर्म कोई और शॉर्टकट है नहीं इंडिया खेलने के लिए आपको रन बनाने पड़ेंगे विकेट्स लेनी पड़ेंगे दैट इज दी ओनली वे टू प्ले सिंपल हो सकता है किसी को थोड़े ज्यादा किसी को थोड़े कम पर बनाने तो सबको पड़ेंगे hmm. क्योंकि and इसी वजह से क्रिकेट जो भारत की जहां तक पहुंचे वो इसी वजह से पहुंचे क्योंकि मेरिटोक्रेसी है hmm. uh, आप किसको जानते हो डज नॉट मैटर आपका सरनेम डज नॉट मैटर इन दी एंड की भैया आपने क्या किया ग्राउंड यू फील दट आज भी वन हंड्रेड परसेंट कभी भी इसमें कोई क्रिकेट पॉलिटिक्स नहीं होती यार सिलेक्शन कभी में? आज तक कभी ना हुई हो आई डोंट नो छोटे लेवल पे होती है ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है लेकिन भारत के लिए जब आप खेल रहे हो तो उसमें क्या ही हो सकता है यार कि रन तो बनाए होंगे बिना रन बनाए सिलेक्शन तो नहीं हुआ होगा विकेट्स तो ली ही होंगी अब उसके बाद हो सकता है कि दूसरे से शायद थोड़ी कम ली हो वो हम सबके साथ कभी ना कभी होता है लेकिन आपके साथ हुआ है हाँ वो है क्या वो सो दिस ओके हम जंप कर जा रहे हैं बट एनी वे लेट्स जम्प तो दिस वॉज दो हजार सात आठ टू टू थाउजेंड सेवन एंड एट जब मैं कोशिश कर रहा था टू मेक इट बैक टू द इंडियन टीम दो हज़ार चार में आई गॉड ड्रॉप्ड उसके बाद मैं डोमेस्टिक खेलने गया डोमेस्टिक में पहले एक दूसरा ना स्ट्रगल्ड उसके बाद देन आई दोड लॉर्ड ऑफ रंस तो अब रन्स बना रहा था इतने बना रहा था कि कोई डाउट नहीं था तो वहाँ पर बहुत रन्स बनाए डेली वंद रानजी ट्रॉफी हाइस्ट रन स्कोरर अक्रॉस इंडिया आई थिंक चौदह सौ कुछ रन बनाए होंगे और तीन तो डबल सेंचुरीज थी एट इट वेरी वेल उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ उसके फॉलोइंग ईयर भी साल की शुरुआत ठीक ठाक थी तो आई मेट अ सेलेक्टर कि भाई क्या होने वाला है आई मीन वाट आर माई चांसेस सिंपल हिट इंड मे बी आर तो मेरे दिस क्वेश्चन रन कितने बनाया तुमने सेली क्वेश्चन टू आज का एक्चुअली यू आर सेलेक्ट यू शुड डो पर कितने बनाए पाँच सौ रन है सत्रह सौ अपने यार <laughs> यही तो सवाल था मैंने वही जवाब दिया है <laughs> तो कह रहे नहीं नहीं जो तुम्हारा टाइम था तुम उस टाइम नहीं खेले तो आई थिंक यूर गिवन अर ऑर डील पर अभी नहीं आएगा नंबर किसी कोई और बाकी लोगों ने भी रन बनाया मैंने को उसने पांच सौ बनाया यार उसने पांच सौ बनाया मेरे सत्रह सौ है थोड़ा सा डिफरेंस है देन दैट गाय गाय प्लेड आई डोंट वांट नेम गुड गुड क्रिकेटर इट्स नॉट इज फॉल्ट सी द फैक्ट इज कि कौन खेल रहा है uh, ये और वो अच्छा खेला एक्चुअली गुड प्लेयर आई होल्ड इन रियली हाई रिगार्ड पर लाइफ हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है कि चांस था वो एक को मिला या किसी और को मिला कभी वो चांस आपको मिला uh, किसी दिन आपका वाला चांस किसी और को मिला सो so, जब आप बड़ी पिक्चर देखोगे पीछे मुड़ के बीस साल बाद तो आप कहोगे I mean, क्या लाइफ चेंज हो जाती कितनी चेंज हो जाती हो सकता है दस की जगह पच्चीस टेस्ट खेल लेता हो सकता बहुत अच्छा खेलता 50 पचास खेल लेता फिर क्या होता तो अल्टीमेटली तो क्या होगा तो वो क्या होगा मैं एवरीथिंग बिकम्स थोड़ा सा छोटा

हो इसमें यू कैन बाईपासन डायरेक्ट यूड मतलब गलत नहीं है कि इन वन फॉर्मैटे अगर आपको टी ट्वेंटी क्रिकेटर ही बनना है आप उसमें बहुत अच्छे हो और आप रांजी ट्रॉफी नहीं खेलते हो तो रांजी ट्रॉफी नहीं होगी दिलीप ट्रॉफी नहीं होगी इंडिया नहीं होगा कुछ नहीं होगा लेकिन आईपीएल का इज एन एब्सुलूट रॉक स्टार वो इतना अच्छा प्लेयर है पर खेलता सिर्फ टी ट्वेंटी है फाइन इन यू नेम वन Oh, just, आज जो स... आपको लगता है कि टी ट्वेंटी में वो किलर है प्रॉबेबली दूसरे फॉर्मेट्स में अभी तक उसको देख खेलना बाकी है नहीं ऐसे तो काफ़ी हैं जिनको बाकी में खेलना बाकी है दैट इज ट्रू अभी तो रिंकू सिंह ही बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है जो टी बहुत अच्छा खेल रहा है पर अभी भी हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा उस तरीके का है जहाँ पर यू विल फाइंड ऑल योर टी ट्वेंटी स्टार्स और ऑल्सो मतलब जो बाकी ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अच्छा करते हुए आ रहे हैं सो hmm. so, रिंकू की भी 50 की एवरेज है सो रिंकू इज नॉट अ टी ट्वेंटी प्लेयर इज़ अ मच बेटर प्लेयर दैन देट जैसे रोहित शर्मा का था जब वो वनडे खेल रहा था या टी ट्वेंटीज़ खेल रहा था उसके पचास पाँच हज़ार रन थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यार सो so, क्यों चांस लेकिन उसको टेस्ट में मिला लेट मिला हुँ. उसके अंदर फिर अंदर बाहर भी बहुत होता रहा और सो वी टेन टू फगेट पर अभी जो भारतीय क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उस तरीके का है कि दे विल बी देर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पर आपको दिखेगा कि यार ये सिर्फ टी ट्वेंटी खेल रहा है और ये टी ट्वेंटी ही खेलता है और ये बहुत अच्छा है में अच्छा किया आ, तो दिलीप ट्रॉफी खेले दिलीप ट्रॉफी में अच्छा किया तो इंडिया आई खेले इंडिया आई में अच्छा किया नाउ इंडिया आई में आई टोर्ड पहला हमारा टॉर था श्रीलंका का श्रीलंका का श्रीलंका होना चाहिए श्रीलंका वेस्ट इंडीज दो मैंने इंडिया आई के टोर्स किए दोनों में मैं और गौतम साथ होते थे तो गौतम गंभीर गंभीर हाँ सो दोनों ने इंडिया में हम साथ में थे सो uh, so, उसमें एक टोर में मैं हायस्ट रन गेटर था एक टोर में गौतम हायस्ट रन गेटर था तो वो दो टोर अच्छे किए uh, उसके बाद इंग्लैंड जाना था इंडिया ने दैट वाज अ थर्ड टोर और उसके बाद सिलेक्शन होना वाज मतलब इसमें अच्छा कर दिया तो इट हैज टू हैपन क्योंकि सी इट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ किस ऊपर जगह खाली है क्या आई hmm. मीन I mean, अगर ऊपर जगह खाली नहीं है एंड यूर स्टिल स्कोरिंग सेंचुरीज क्या कर सकते हो सॉरी बैड लक और जिस टाइम पे मैं खेला हूँ उस टाइम पर वीरू ओपनर तीन पे राहुल चार पे सचिन पांच पे दादा छह पे लक्ष्मण कहा है जगह एक ही तो जगह खाली है मतलब ये तो सिर्फ एक ओपनर की बात कर रहा हूं हाँ। ऑर्डर में तो जगह ही नहीं है हाँ यू कुड भी डॉन ब्रैडमैन मैन हो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पर किसको रिप्लेस करोगे तो जगह है ही नहीं दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज वॉट इट इज Uh, मैं तो फिर फॉर्चुनेटली जो ओपनर था तो एटलीस्ट वीरू के साथ किसी ने ओपन करनी है hmm. और वो वीरू के साथ ओपन करता हो अगर कोई सम्बडी इज फॉलोइंग तो यू यूर जस्ट होपिंग कि आपके रन्स बनते रहे यू आर इन फॉर्म कि जब वो ओपनिंग खुलती है तब आप आर देर नेक्स्ट इन लाइन सो सो दैट वॉज सपोज टू हैपन विद दैट इंग्लैंड टूर बिकॉज प्रीवियस टू टोअर्स मैंने बहुत अच्छा किया था मीन I mean, मुझे तो ये बताया था कि हो सकता है उस इंडिया आई का आई वुड बी द कैप्टन क्योंकि hmm. दो और अच्छे करके आ रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट रणजी ट्रॉफी मैच था हमारा सेमीफाइनल आई थिंक सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल वन ऑफ द टू आई थिंक सेमीफाइनल तमिलनाडु के साथ दिल्ली में आई ट्विस्ट माई एंकल ट्विस्ट माई नी बिफोर दैट तो प्रैक्टिस में फुटबॉल uh, खेल रहे थे हम क्यों खेल रहे थे पता नहीं नहीं खेलनी चाहिए फुटबॉल में सो दे वॉज ग्रास मोवर था पड़ा हुआ था उस hmm. पर बॉल जा रही थी आई ट्राई टू स्टॉप इट द फुट गॉट स्टक और ऊपर से नी ट्विस्टेड अब नी ट्विस्ट हुई डेस्परेट वस कि मुझे तो खेलना है hmm. तो उस समय फिजियो भी ओके ओके था जो भी था जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास सो आई प्लेट द मैच खेलना नहीं चाहिए था पर खेला hmm. उसमें खेला मैं वहाँ गया जैसे ही मैंने टर्न किया को लैपस्ड अगेन ऐसे नहीं हो रहा भाई तो वो मैच खत्म हुआ इंग्लैंड का टोर का तो कोई मतलब ही नहीं था या कराया, च कराया उन्होंने कहा जी ए सी एल टीयर है और uh, रिकंस्ट्रक्शन होगा इट टेक्स नाइन मंथस वी आर सेटिंग इन अप्रैल अप्रैल का मतलब है सो आई रिमेंबर दिस सम्बर वेरी नेक्स्ट जनवरी तक अब आउट मीन्स पूरा रांझी ट्रॉफी सीजन चला गया यार अगला सीजन चला गया मतलब खत्म स्टोरी तो मैं बाहर बैठा था गाड़ी में ही था डॉक्टर के बाहर बैठ गया टी आसना यार ये हुआ क्या है कि ऑलमोस्ट देर और अब नौ महीने नहीं खेलेगा मतलब नौ महीने तो वो कह रहा है कि आप खेलना शुरू करोगे उसके बाद टाइम लगेगा आपका एक सीज़न निकल गया डन क्योंकि उससे पहले एक सीज़न मेरा पीछे आ, कपल ऑफ सीजन अगो मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ था तो मेरे मिस हो गए थे तो हेपेटाइटिस सी जस्ट बिफोर द सीजन हुआ तो मेरा फर्स्ट पूरा हाफ निकल गया सेकेंड हाफ में आई कुड कम बैक और उसमें मैंने दो तीन मैच में रन वन बना दी तो थोड़ा सा आई जस्ट रीगेंड द लॉस्ट ग्राउंड थोड़ा सा दैट वॉज मै थर्ड फर्स्ट क्लास सीजन दैट वीज भी यर टू थाउजेंड नाइनटी सेवन नाइनटी एट नाइनटी नाइन यार नाइनटी नाइन टू थाउजेंड होगा सो हार्ट ब्रोकन में ये कैसे होगा यार तो बट कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कंप्लीट टेयर है तो सर्जरी तो करानी पड़ेगी देन सर्जरी कराई मुंबई में कराई एक्चुअली आई केम टू मुंबई तो सर्जरी कराई देन एक्सटेंसिव रिहैब शुरू किया रिहैब में वर्क बिफोर दिन में दो रिहैब के सेशंस करते थे हम एंड दिस फिजियो वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली बैक इन द डे डिफ़िकल्ट टू फाइंड स्पोर्ट्स फिजियोज होते ही नहीं थे आई एम टॉकिंग टू थाउजेंड एंड थ्री कोई चांस नहीं है कि आपको कोई स्पोर्ट्स फिजियो मिलेगा भी तो एक कोई मिला मुझे दिल्ली में जो मेरे घर से कुछ थर्टी किलोमीटर्स दूर था तो आई वेंट अ डे कि सुबह शाम सुबह शाम आई यूज टू डू इन थ्री एंड हाफ मंथ्स आई वॉज बैक एंड थ्री एंड हाफ मंथ्स वेन आई वॉज बैक तो अनंत जोशी थे जो यहाँ पे है एक्चुअली मुंबई में इज अ ग्रेट डॉक्टर सर्जन है इस नहीं ये तो नहीं हो सकता साढ़े तीन महीने में ना चांस एंड्रू लीपर्स हमारे फिजियो थे Uh, कह रहे नहीं कह रहे ओकेट्स लेट्स टेस्ट यू सो दे टेस्टेड मी डिफरेंट टेस्ट जो करने हैं एंड आई एम एसिंग ऑल ऑफ देम कह रहे बट इट्स नॉट राइट बट वट इज नॉट राइट आपके सामने है ऑफ hmm. द मैं कर तो रहा हूँ कह रहे नहीं नहीं कर सकते आप इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बट वट टू डू तो तब मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं पहले इंडिया का एक कैंप लगा उसमें बुलाया तो इंडिया का कैंप लगा कि अब तो ये पीछे से करता आ रहा है सर्जरी खत्म हो गई है इज अवेलेबल अवेलेबलेंट दिन लेट मी प्ले कह रहे खेल नहीं सकते आप मेरा नाम भी था चैलेंजर्स ट्रॉफी होती थी पहले एक इंडिया ए बी की तो दे मी इन द टीम बट दे प्ले मी कह रहे ये गलत है ये चार महीने हुए हैं चार महीने में तो हो ही नहीं सकता जो काम मिनिमम इज सिक्स मंथ्स इफ नॉट नाइन चार महीना वी भी टेक अ चांस बिकॉज विल फॉल अ पार्ट ओके फाइन तो चार के फिर कुछ पंद्रह दिन और निकल गए mm -hmm. साढ़े चार पाँच महीने ऑलमोस्ट होने वाले थे देन दे पिक्ड मी फॉर अ गेम दिस वॉज वर्स न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड टॉर कर रही थी यहाँ पे फोर्ड प्रेजिडेंट इलेवन की एक टीम बनती है एक बनती थी इंडिया ए की तो दो बैक टू बैक मैचेस थे एक mm -hmm. वाइजैक में था एक राजकोट में था पहला मैच वाइजैक में था सो दे पिक्ड मी सो मुझे बताया कि अच्छा यू नेम इज़ देर ओके फाइन नाउ माई इशू वॉज इट्स अ स्ट्रेंज इशू टू हैव कि दिल्ली में हो रही थी बारिश सो दिस इज ऑगस्ट सेप्टेम्बर ऑगस्ट बहुत बारिश है प्रैक्टिस का कहीं सीन नहीं है एंड मैंने नी तो ठीक कर लिया पर मैंने क्रिकेट नहीं खेली है सो मैंने चार महीने से बैट ही नहीं उठाया अब चार साढ़े चार महीने हो गए बैट उठाने hmm. जब मैं बैंगलोर में था तो मुझे उठाने नहीं दे रहे थे hmm. कि यू आर नॉट फिट इनफ उससे पहले मैं कुछ कर नहीं सकता hmm. था क्योंकि रीहैप कर रहा हूँ अब मैं दिल्ली पहुँचता हूँ तो बारिश हो रही है तो और मेरा नाम आ गया भाई आ रहा है न्यूजीलैंड आ रही है मेरा नाम आ गया कैसे सो एंड दिल्ली में तो अब जाके शायद कोई इंडोर स्टेडियम इंडोर फैसिलिटी होगी तब थी ही नहीं सो आई टूक अ फ्रेंड ऑफ माइंड मैंने कहा यार देख ऐसा है कि चलते हैं कहीं जगह पे तू शेड में खड़ा हो जाइ हो मैं बारिश में खड़ा हो जाऊंगा तू थोड़ी बॉल फेंक लियो प्लीज सो uh. so बारिश में मैं थोड़ा नॉक कर रहा हूँ बट उतना ही कर सकता हूँ सीमेंट के ऊपर और hmm. कितना ही कर लूंगा बाकी सब जगह पानी भरा हुआ है एनी हाउ सो आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट एंड आई गो टू वाइजैक तो वाइजैक पहुँचते हैं वाई में पहले दो दिन तीन दिन का तीन दिन का मैच होगा hmm. पहले दो दिन बारिश होती है आ, ऐसा लगता है मैच वॉश आउट हो जाएगा होना चाहिए था एक्चुअली बट न्यूजीलैंड वो वेरी कीन की वी वांट टू प्ले तो उन्होंने कहा हम खेलेंगे इवन दो ग्राउंड बहुत वाटर लॉकट था आ, हम टॉस जीत गए हमारी बैटिंग आ गई विच इज फॉर्चुनेट तो आई थिंक आई बैटेड एट थ्री ओपन जो भी किया होगा यहाँ सो फर्स्ट बॉल वैन आई स्टूड देर सामने से एक बटलर करके बॉलर होता था hmm. टू बोल वन फोर्टी क्लिक्स था okay. आ, मैं स्टांस में खड़ा हुआ और मेरे दिमाग में पिछले छह महीने से बैट, बैट, ही बैट ही नहीं पकड़ा यार बैटिंग ही नहीं की है हम यहाँ पर भी जब वाइजैक में भी पहुंचे तो यहाँ बारिश हो रही है तब से नहीं हो रहे मैंने बैटिंग ही नहीं की है और सामने वो इंटरनेशनल बोलर मेरी लाइफ में पहली बार सामने सेव गॉट नो आइडिया और मैंने कहा यार मैं रिएक्ट ही नहीं किया और बॉल डंडे पे लग गई तो बहुत बुरा रहेगा <laughs> मतलब डी डी स्पोर्ट्स पर उस समय शायद मैच में चाहता भी होगा <laughs> यार इट लुक वेरी एम्बेसिंग गलत होगा सो ही उसने भार डाली मैंने बॉल छोड़ दी आई वॉज वेरी चलो बॉल छूट गए उसके बाद आई डोंट नो हाउ बट आई स्कोर्ड अ सेंचुरी स्वीट नाउ दैट गेम आई स्कोर्ड यू वी भी शायद उस मैच में खेल रहा था तो uh, एंड to मतलब सिर्फ हमने बैटिंग की hmm. उस मैच का सिर्फ एक बेनिफिशरी था वो था आकाश चोपरा yeah. जिसने सौ बनाए जिसकी बैटिंग आई जिसने सौ बनाए और गॉड uh, hmm. नोज नहीं तो दैट वाज इयर्स ऑफ वॉज हार्ड वर्क प्रैक्टिस जस्ट टूक ओवर इन इतने सालों से जो किया था गया। हाँ. हाँ, कि भाई वो छह महीने से सी दिस छह महीने में भूलोगे तो नहीं ना सारा साल पढ़ाई hmm. किया तो आखिरी में अगर नहीं भी पढ़ोगे तो यू नॉट गोइंग टू फेट सो सो दैट गेम टू द फोर फिर वहाँ से हम राजकोट जाते हैं राजकोट में फिर uh, मैच में वो खेलने का मौका मिलता है लेकिन वाइज़ैक जैक तक दे वॉज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन क्लियर इंस्ट्रक्शन थी मेरे कैप्टन को कि आकाश को शॉर्ट लेग पर नहीं बैठाना है क्योंकि उसकी नी में चोट है hmm. और uh, एक हिंज्ड ब्रेस आता है उसमें एल्यूमिनियम uh, प्लेट्स होती हैं इट्स क्वाइट है so तो उसका मतलब ये था कि मैं फुल स्क्वाट नहीं कर सकता था आई कोड ऑनली हाफ स्क्वाट तो कह रहे यार वैसे ही अभी तो रिकवर कर रहा है लॉजिकली तो अभी भी छ महीने नहीं हुए हैं तो मिनिमम इज सिक्स मंथ्स छः महीने से पहले कोई कंपिटेटिव स्पोर्ट्स में नहीं आ सकता है डेली वाले पुष्पिंदर बजाज डॉक्टर साहब ने कहा था कि नौ महीने तो तब तक ये था कि नहीं करना है ओके फाइन okay, पर जैसे ही हम राजकोट पहुंचते हैं नाउ जॉन राइट इज देयर सिलेक्शन कमेटी मीटिंग इज हैपनिंग देयर कह रहे अब उसमें भी मैं खेलता हूँ उसमें गेट सम सिक्सटी ऑर्डर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन बड़े फर्स्ट uh, nice. uh, like हाँ. मैच जो शुरू हुआ वाईजैक में राजकोट में मेरे सेलेक्शन तक इट वॉज जस्ट सेवन टू एट डेज दैट्स इट आई वॉज दी ओनली पर्सन जो दोनों टॉल मैच के लिए पिक हुआ था वरना क्या करते हैं कि डिफरेंट पंद्रह वहाँ जाते है, हुँ. हुँ. हैं डिफरेंट पंद्रह सबको चांस देना है ना जितने लोग अच्छा करते आ रहे हैं बिकॉज आई वॉज क्लोजर टू सिलेक्शन तो दे कि आकाश को दो चांस दो और वैसे भी चैलेंजर वगैरह तो इसको hmm. खेली नहीं है इसने तो क्रिकेट ही नहीं खेली है सो so उसमें भी कुछ रन बनाता हूँ मैं और सिक्सटी सेवन बड़े वित्त भी बनाए होंगे अच्छा uh, ग्रीन टॉप पिच था वो एक्चुअली किसका डेब्यू था मुनाफ का डेब्यू था शायद hmm. uh, मुनाफ का आर पी का दे ऑल प्लेट देर सो फ्रॉम देर इट्स अ छोटा सा ड्राइव आई मिन अहमदाबाद सो फ्रॉम एप्सुलूटली नो चांस ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया

अच्छा करना है उसकी डेफिनेशन नहीं थी okay. क्योंकि उससे पिछले टोर में तीन मैच हुए थे थ्री जीरो से हारे थे उससे पहले कभी शायद मैंने ड्रॉ भी नहीं किया था मैच मैंने तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट भी तो करता था देव, देवर हाँ। हेड एंड शोल्डर से मतलब फर्स्ट सेकंड पे वो थे बाकी सब थर्ड से शुरू करते थे हाँ। तो होने ही नहीं वाला है वो तो इसलिए अच्छा करना इज मोर देन थे पिछले साल के टोर के जो नाइनटीन नाइनटी नाइन के टोर के ये थे कि ओपनिंग अच्छी नहीं होती है तो जो फेम्ड हमारा मिडल ऑर्डर है वो भी स्ट्रगल करता है कुकुबुरा का बॉल नया बॉल तंग ज्यादा करता है तो उसके लिए वी नीड अ स्टेबल ओपनर एंड आकाश कुड भी है तो अहमदाबाद में आई गॉट दी ऑपरचुनिटी इंटरेस्टिंगली इनफ उसके अंदर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो क्योंकि टीम में कौन कौन है राहुल द्रविड वीरू सचिन सौरव, वी वी एस आकाश शॉट ले बैठो मैडम मेरा तो नीह हिंज ब्रेस है <laughs> तो जॉन रेड के वो हो गया दैट्स इट इट्स ओवर ओवर दैट दैट इज 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 नाउ यू हैव टू 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 बिकॉज हु एल्स गोइंग देन वन प्लेस नोबडी वांट्स किसी को बैठना ही नहीं है तो भाई साहब आप ही बैठेंगे uh. और ऐसा नहीं कि मैं सारी जिंदगी में बैठ के आया हूं वहां बड़ा अनरिटन रूल है ये कि जो सबसे छोटा बच्चा होगा वहां चुपचाप बैठ जाएगा <laughs> हेलमेट लगाओ बैठ बैठ <laughs> तो पर मेरे तो हिंज ब्रेस है ना मैं तो नहीं फुल स्कोट कर सकता हूं इट हूँ मैटर और इंटरेस्टिंगली मैच शुरू होने से पहले आई ब्रोक माई पिंकी कैच पकड़ दो इट जस्ट स्नेप्ट तो, uh, तो से, लीपस से फिर बोला कहता देख फ्रैक्चर है मतलब जस्ट hmm. फ्लिप ही हो गया मतलब जैसे कि जस्ट गेम आउट लाइक दस तो कहते हैं कि देख दो ऑप्शन है एक्सरे करा लेते हैं ये आ जाएगा आई हैव टू राइट यू हैव टू सेट आउट यू कान प्ले मतलब आई कान टू <laughs> कि फ्रैक्चर है कर, कैसे मतलब इट्स ऑन मी राइट तो बाकी अगर तेरे वो खेलना है तो चुपचाप तो लेट इट पास इसके ऊपर लगाएंगे एक ब्रेस उसको करेंगे टेप और तो खेल जा क्योंकि इसी एवरीबडी न्यू कि, कि यार ये कहां से आ रहा है और अब इस जर्नी में यहां पे आके उंगली टूट जाए और नहीं खेले तो कोई बात नहीं हुई सबको देने चांस चांस नहीं आएगा दोबारा तो फिर खत्म नहीं आएगा दोबारा सो देन आई प्लेड Uh, किसी को हमने नहीं बताया hmm. कि ये फ्रैक्चर है फिंगर सो गॉट सम रन इन द फर्स्ट गेम उसमें भी इंटरेस्टिंग था कि वीरू वीरू इज़ अ डियर फ्रेंड पर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑनेस्ट कहता स्ट्राइक तेरी है आकाश तू ही लेगा स्ट्राइक hmm. और डैरल टफी बॉलिंग कर रहा है जब हम पिछली बार न्यूजीलैंड गए तो उसने पहले ओवर में हर बार विकेट ली थी तब तो तू स्ट्राइक लेगा <laughs> मैंने कहा यार क्या आदमी है यार ऐसे बात कर बट आई टुक स्ट्राइक तो मेरे पहली बॉल पे फर्स्ट बॉल सिंगल hmm. मैंने कहा वीरू पांच बॉल तेरी ओवर खत्म नहीं हुआ है <laughs> अब तू खेल ओवर तो नहीं खत्म हुआ एनी हाउ वी 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 प्लेड वेल वो मैच ड्रॉ हुआ नेक्स्ट मैच भी ड्रॉ हुआ मोहाली में इट डिड वेल देयर आल्सो सो आई गॉट 50स इन बोथ इनिंग्स मोहाली में यू प्लेड विद यू सेड यू टुक अ नेम गौतम गंभीर के uh. साथ पहले खेलते हाउ वाज ही बिफोर वर्सेस नाउ गौती गौती बैक इन द डे क्या था कि इन अ वे व्यू आर कम्पेटिटर्स क्योंकि दोनों लड़ रहे थे दोनों एक ही जगह लड़ रहे हैं और दिल्ली में तो वैसे भी आपस में कंपटीशन इतना है क्योंकि तो हमारी टीम इतनी अच्छी थी आ, मतलब क्योंकि जब हम दिल्ली में खेल रहे थे तो विराट कोहली और शिखर में से किसी एक को ही खेलने का मौका मिल पाता था वो टीम उस तरीके की थी वी कंट हेल्प इट Uh, क्योंकि वीरू है वीरू के साथ गौत मैं ओपन कर रहा हूँ तो गौतम या गौतम और मैं ओपन कर रहे हैं तो वीरू तीन पे आता है चार पे मिथुन आता है पाँच पे रजत भाटिया आता है खत्म होगी बैटिंग अब या तो इसमें एक शिखर घुस सकता है या विराट घुस सकता है तो दो में से एक को ही ग्यारह में जगह मिलती थी और उसमें भी ओपन की जगह नहीं मिल रही है वीरू के लिए ओपन करने की जगह नहीं थी दिल्ली में सो so वीरूड बैट एट फोर एक्चुअली कि तीन पे चल शिखर चला जाएगा या फिर विराट चला जाएगा जो भी जा रहा है मतलब क्योंकि उ यू फिट अ टीम तो ग्यारह नहीं बन पाते थे तो वी वर कम्पिटेट टू बिगेन विथ तो दोस्त तो नहीं था शुरू से टू बी वेरी ऑनेस्ट पैशनेट गाय रियली पैशनेट बहुत मेहनती अपने क्राफ्ट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस और इज हार्ट ऑन द स्लीव उस तरीके का एक्सट्रीमली पैशनेट बहुत जल्दी ट्रिगर हैप्पी इन सेंस है टेम्पराटली कुरी शॉर्ट फ्यूज हो सकता है बट ये सबके साथ होता है ना लाइक like जब ये हीट में खेल रहे होते हैं यूजुअली बैट्समैन इन द बहुत रेयर होते हैं जो बहुत ज्यादा कम लाइक पेशेंट टाइप के होते हैं सबका कैरेक्टर है अपना अपना किसी को कुछ मतलब ये तो गौती तो उनमें से है ना कि जी सब अलग है uh, गौती उनमें से है कि वो दिल्ली में कई बार आके ये बताता कि कल वो ट्रक वाले से लड़ाई किया उसने ट्रक वाले से लड़ाई गाड़ी से उतर के ट्रक पे चढ़ के उसको उसकी गिरेबान पकड़ रखी थी क्योंकि वो उसने ऐसे करके आगे चला दी और गाली दी थी <laughs> वो कर आ रहा गौतम I mean... <laughs> so, yeah, yeah. तो सब लोग एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं एक्चुअली सो एवरीबडीज हीट ऑफ द मोमेंट सबकी होती है तो सही मतलब uh, तो so, है yeah, लेकिन दिल If का समथिंग हर्ट्स देन समथिंग हर्ट्स देन देयर देयर इज नथिंग दिल का अच्छा आदमी है सी दिल का इसलिए अच्छा आदमी है क्योंकि हार्ट इज एट द राइट प्लेस वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है hmm. जो काम वो दिल्ली में जो कर रहा है चाहे वो उसकी वो जो किचन है या फिर कोविड के टाइम पे उसने जितनी मदद की है आई रियली अप्रिशिएटेड व्हाट ही डिड और uh, गुड गाए इन अंस की हाट इज अ द राइट प्लेस तो समझता है कि इंसानियत क्या है कम्स फ्रॉम वेरी गुड फैमिली वेरी अफ्लुएंट फैमिली इन लाइफ एंड वेरी गुड अफ्लुएंट फैमिली कम्स फ्रॉम बट फॉर समबडी लाइक दैट पैशन वेरी रिच वेरी वेरी वेल्दी वेल्दी फैमिली पहले शुरू से बचपन से सो वेल्दी फैमिली

या yeah, प्रिविलेज तो वो mm -hmm. वो मुश्किल होता है उनके चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं वो रैक्स टू तो रिचे की स्टोरी सारी होती है आ, पर उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस को अलग करना एंड देन दैट काम दच फी लाइक ना टाइप सी ज्यादा चेंजेस तो नहीं होने चाहिए एक्चुअली क्योंकि इंडियन क्रिकेट में चेंजेस की ना ज्यादा जरूरत ही नहीं है इंडियन क्रिकेट इज एट अ प्लेस वेयर थिंग्स हमेशा होती रहेंगी ठीक तो क्या करेगा हमारे लिए हैविंग हिम इट वॉज अ मोमेंट राइट मतलब आई रिमेंबर एटलीस्ट मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और मे बी बिकॉज वो इतने डेकोरेटेड प्लेयर हैं बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि द मोमेंट समीज बिकम कोच द होल कंट्री इज नाउ इट्स इट्स अ बिगर न्यूज राइट दैन इन फैक्ट आई वुड गो ऑन एंड सींग मे बी समी ऑन दिस बट

री वेरी गौतम पर गौतम आया है तो साथ में वर्ल्ड कप अभी आप जीते हैं उसके बाद कप्तानी दो लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया है सो इट जस्ट है हाँ ये हाँ, अब हाँ, हाँ, मतलब ये तो गंभीर अब समय आ चुका है हुँ. तो बहुत ज्यादा बदलाव की तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ द ओनली थिंग आई हिस्स गॉट अ गुड आई फॉर टैलेंट जिसको भी बैक करेगा हिल बैक टू दैक हिम टू द हेल्ट कोशिश करेगा कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होंगे इज वॉट आई थिंक बाकी इंडियन क्रिकेट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ यार तो डी थिंक कोई और चैलेंजर एनी अदर कंट्री जो आपको लगता है इस टाइम पे कैन बिकम अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया कि वहां का टैलेंट भी इसी तरीके से फूट रहा है जैसे इंडिया फूट रहा है सी आई होप की चैलेंजेस हों एंड आई जेनवनली होप मतलब फॉर क्रिकेट से एक आई आई रिली होप की हो क्योंकि क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट कोई भी स्पोर्ट के अंदर ंग कंपेटिटिवनेस इज वॉट मेक्स वॉट इट इज तो अगर आप सबसे अच्छे हो और कोई और आ ही नहीं पा रहा है तो फिर इट बिकम्स बोरिंग करना ही yeah. फिर. क्या ही पॉइंट yeah. है पॉइंटलेस uh, एक्सरसाइज है तो आई होप की देर आर इनाफ टीम्स अराउंड द वर्ल्ड जो दे कीप थ्रोइंग अप टैलेंट पर यू नीड यू नीड कंट्रीज मोर कंट्रीज टू कीप प्लेंग कीप थ्रोइंग टीम्स एंड प्लेयर्स एंड वट एवर क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट कांट श्रिंक तो वो श्रिंक होने लग जाएगा जो कि थोड़े साइंस हैं श्रिंकिंग के तो दैट इज नॉट गुड वो फिर खराब होगा सो यू फील टैलेंट सिर्फ इक्लोदी चीज नहीं है जो क्रिकेट को बड़ा बनाने में हेल्प करेगा इकोनॉमी एंड व्हाट एल्स डू यू थिंक टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स और आई डोंट नो व्हाट एल्स सी टेक टेक विल प्ले अ रोल वो तो करने कुछ कंट्रीज टैक अफोर्ड नहीं कर सकती कुछ कंट्रीज तो तो गैप सी दैट इज अ थिंग गैप ना ये पहले क्या था सारे एक जगह थे सब बराबर थे वेस्ट इंडीज दो वर्ल्ड कप जीतता शुरू में नाइनटीन सेवेंटी फाइव में वी गो एन ब्रेक द ट्रेंड हालांकि ये इंग्लैंड में हो रहे थे सारे वर्ल्ड कप्स तो क्यों क्योंकि टैलेंट वाइज देवर द बेस्ट अब वहाँ पर टैलेंट से काम चल जाता था लेकिन अब टैलेंट का नाउ वेन यू टॉकिंग मोट वन परसेंटर्स कि तो वो वन परसेंटर के लिए वो आई कैन गेट दिस टेक्निक और टेक्नोलॉजिकल एज अगर hmm. ये मैं काम कर सकता हूँ तो आई हैव दिस दिस एज अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया के प्रिपेयर करना है और मैं यहाँ पे इंडिया के अंदर दस ऐसी पिचेस बना सकता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया को मिरर करती हैं या फिर लेट्स गो स्टेप फर्दर कि जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया सो हाउ थिंग्स चेंज जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया तो हम अपने घर से इंडिया से एस टेस्ट की बॉल्स का एक पूरा थैला लेकर गए थे hmm. क्योंकि कुकुबुरा की बॉल्स बहुत महंगी थी hmm. और कुकुबुरा से ही क्रिकेट वहां खेली जानी थी पर हम प्रैक्टिस एस जी टेस्ट की बॉल से कर रहे थे तो हम नेट में तो जितनी दो चार पांच छह बॉलें निकालते थे उसके बाद सारी फील्डिंग वील्डिंग हम टेस्ट की बॉल से करते थे क्योंकि बोट कुड नॉट अफोर्ड इट अब इसमें किसी गलती नहीं है दिस इज इट इट इज लेकिन अब जब हम गए दो द लास्ट वर्ल्ड कप इन द हैड ट्वेंटी राइटी नाइनटीन वॉज ट्वेंटी फिफ्टीन एंड देन वी वेंट फॉर द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑल्सो दो हजार बीस इक्कीस जो भी हुआ था वी हायर दिन के लिए वाका अपने पास रख लिया मैंने कहारिंग अ बैग ऑफ बॉल्स टू सेंग ये इसे, वाका इसे, स्टेडियम हमारा है मतलब वाका इज आइकॉनिक स्टेडियम पर अभी वो यूज नहीं हो रहा तो उनका नया स्टेडियम बन गया उनका सात दिन के लिए स्टेडियम में हमारा है, हम प्रैक्टिस यहां करेंगे तो <laughs> जब आप वहां पहुंचोगे वह तो ऑब्वियसली क्रिकेट इज गोइंग टू ग्रो ना बिकॉज हाँ, इंटेंट भी है।, है सिर्फ पैसा नहीं है पैसे के साथ इंटेंट भी है कि तो इंडियन क्रिकेट का अच्छा होना मतलब no 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 हो होना इंटरनेशनल hmm. हाँ, well. so, क्रिकेट भी बढ़ेगा फिर आई होप व्हाट चेंजेस डू थिंक यू थिंक एनी चेंज होगा ऐसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आई एम नॉट वेरी प्रिवी टू कि आईसीसी के तरीके किस तरीके से काम करती है वेरी ऑनेस्टली नॉट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कॉमेंट ऑन दैट पर्सनली क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि आई सी सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनश्योरिंग कि बाकी सब जगह जो क्रिकेट है वो अच्छे से हो रहा हो तो पैसा आता है पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इज़ इट गेटिंग यूटिलाइज प्रॉपरली इन माई नाइविटी मुझे लगता है यही होता होगा uh, पर uh, तो उतना हो रहा होगा आई एम प्रेटी श्योर आई सी सी के लिए मतलब चैलेंजेस होने वाले हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट को कैसे जिंदा रख सकते हो आप वनडे uh, क्रिकेट के बारे में आपका क्या एक्चुअली आउटलुक है सो दोज थिंगस विल गेट टू नो कि कैसे दे अनफोल्ड क्योंकि कुछ चैलेंजेस तो हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट इज फेसिंग राइट नाउ डू थिंक नाउटन बनेगा हंड्रेड बनेगा. परसेंट huh? बनेगा बनेगा ओवर बनेगा. बनेगा बनेगा तो सही कब बनेगा कौन बनाएगा कौन उसका शुरू करेगा बनने तो वाला है पक्का इसमें डाउट नहीं है लोगों को छोटा शॉर्टर गेम चाहिए थे होना ही है एंड ऐसा लगता है कि जैसे यूएस में कुछ स्पोर्ट्स बने जो सिर्फ यूएस के ही है और वो उन्हीं को वर्ल्ड बोलते हैं क्रिकेट माइट बिकम कि इंडिया और एक दो आस कंट्री में ऐसे ही रह जाएगा अभी क्योंकि हम डोमिनेट करते हैं ना मतलब व्यूज में इकॉनमी में हर चीज़ में मतलब हम ही है नहीं हम ही हैं तो सही पर तो देखने जाते हो जब आप बाहर भी देखने जाते हो ऑल द टूर्स एंड एवरीथिंग यू नो नो दैट स्टेडियम इज विद जस्ट आई आई नो बट दूसरों के मैचेज भी इंडियन थी देख रहे हैं दैट इज ट्रू पर दूसरी कंट्री के लोग नहीं होते ज्यादा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड देयर इज सम हिस्ट्री दैट विल कीप इट अलाइव बट काफी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम सीट्स तो उनके आपस के मैचों के लिए आते हैं लोग हम्म सी एशेस के लिए आज भी आते हैं तो वो वो है वो जिंदा रखेंगे हाँ वो तो रखेंगे जिंदा तो अब वो फॉर्मेट्स के अंदर ये ज़रूर होने वाला है कि कुछ आइकॉनिक चीज़ें हैं जिसको यू एसोसिएट हिस्ट्री विद इट एंड एंड दैट विल कंटिन्यू टू फ्लरिश बाकी चीज़ें जो हैं वो दिल कीप मेकिंग वे कि चलो जी अब आप ये निकालो सीरीज़ टी ट्वेंटी ये निकालो टी टेन सो दैट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू हैपन पर आई रियली होप मेरी लाइफ टाइम में तो ये ना हो कि सिर्फ uh, इंडिया ही खेल रहा हूँ आपस में सिर्फ आईपीएल ही बच जाए आईपीएल हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया हमारा आईपीएल है आई I मीन mean, क्या पता हो जाए सी अगेन आई एम नॉट अवर्स टू चेंज पर दिस इज वन चेंज जो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देखने का मन नहीं है मुझे लगता है कि यार मतलब वर्ल्ड कप होना चाहिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलनी चाहिए इंग्लैंड खेलनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट इनफैक्ट मैं तो आई एल गोड फर्दर यार hmm. मैं तो कहता हूँ इंडिया इज एट अ स्टेज जहां पे वी शुड अडॉप्ट कंट्रीज कि उनकी क्रिकेट को अडॉप्ट कर लो नेपाल की क्रिकेट को हम अडॉप्ट कर लें कि हमने ग्राउंड दिया हम खिला रहे हैं हम तुम्हें अच्छा बना रहे हैं हम बनाएंगे अच्छा यार एंड 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 वी वांट यू टू फ्लरिश क्योंकि तुम अच्छा खेलोगे आई मीन आई एल बीस आई एल बी ग्रीडी यार मैं तब मेरे साथ मैच खेलोगे तो मजा आएगा ना अभी इंडिया नेपाल को आई कांट सेल नो बडी इज वॉचिंग बट इफ नेपाल इज अ कंपेटिटिव साइड तो देर इज वन मोर कॉम्पिटिशन की यार एक और चीज है जो लोग देखना पसंद करेंगे सो अडॉप्ट मतलब इंडियन क्रिकेट शुड अडोप्टीम्स ना कि भैया हम आपका ध्यान रखेंगे बांग्लादेश श्रीलंका करो 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 बिल्कुल जो जो जिसको मतलब आप यू के तो करा इंटरेस्टिंग है कोई बता नहीं है आई डोटो थोड़ा बैड पी आ रहा है नो पी आ रहा है कि जब एशिया कप होता है एक्चुअली इंडिया डजेंट टेक अप एनी इंडिया एक रुपया नहीं लेती है क्यों बांट देती है तो जैसे मान लोगों छः टीम्स खेल रही हैं एक किटी है उस किटी के अंदर छः पार्ट्स होने हैं तो इंडिया का जो पार्ट है इंडिया डज नॉट टेक दैट मनी इंडिया टेक्स दैट मनी एंड गिव्स इट टू नेपाल इट गिव्स इट टू थाईलैंड इट गिव्स इट टू समी एस कि यार इस पचास मिलियन से मेरी जिंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये पचास मिलियन कैन एक्चुअली लाइक टर्न योर योर क्रिकेट तो यार तुम रखो यार तो इंडिया कर रही है पर अगेन इट्स लेस पब्लिसाइज नोबडी बड़ी नोज अबाउट इट पर करना चाहिए डॉप्ट कर लो खिलाओ इनको। अबाउट अडोप you know, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि अभी चैंपियंस लीग के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत सारा स्पेकुलेशन हो रहा है राइट right? कि इंडिया जाएगा खेलने कि नहीं जाएगा तो बहुत थे? कम है यार पाकिस्तान में होगा पाकिस्तान में हो सकता है पाकिस्तान में हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में अब क्रिकेट वापस आ गई है हो रही है और एशिया कप भी हुआ हाइब्रिड मॉडल चलता है हम श्रीलंका में खेल रहे थे पर पाकिस्तान अपने मैच वहाँ पे खेला है बारिंग द गेम अगेंस्ट इंडिया तो इंग्लैंड वैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही हैं हम नहीं जाएंगे आई डाउट कि हम जाने वाले हैं अब मतलब कोई मैं आई एम नॉट प्रिव्यू टू एनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन का ही नहीं इन्फॉर्मेशन कोई भी क्या कहेगा क्योंकि इवेंचुअली द नॉट हैज टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट वो एक पॉलिसी है कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे ये बीसीसीआई के हाथ में भी नहीं है दे कान डिसाइड हाँ। तो वो गवर्नमेंट की नॉड आने के चांसेस मुझे तो पर्सनली कम लग रहे उतने ब्राइट नहीं लगते हैं क्योंकि हर महीने में एक बार नहीं तो दो महीने में एक बार कोई ना कोई कश्मीर से खबर आ जाती है जिसमें फिर आपको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है so, सिर्फ वो नहीं जाएंगे तो व्हाट विल है दुबई में खेलेंगे श्रीलंका में खेलेंगे इंडिया विल प्ले देयर गेम्स लाइक आर गेम्स हम बाहर खेलेंगे दुबई में खेल लेंगे टाइमिंग के ऊपर है कहाँ पे इंडिया इधर दुबई और श्रीलंका वेरेवर इंडिया माइट नॉट माईकॉन्या एंड देन अगर ऐसे गेम्स होते हैं तो इसमें फिर फाइनल्स में क्या होता है व्हाट हैपेंस क्योंकि जो होस्टिंग कंट्री वो चाहेगी फाइनल्स तो उनके स्टेडियम में उसकी जगह और शुरू से पूरा इकानमी क्रिकेट इकॉनॉमी इट वर्कस इन दिस वे की स्टार्टिंग से वो स्पॉन्सर्स पैसे स्टेडियम टिकट सब बेचते हैं और अगर इंडिया फाइनल्स में पहुंची बट इंडिया डज वन अ प्ले देर सी ये वाला पहले से डिसाइडेड होगा कि कि कहाँ होगा फाइनल uh, अगर पाकिस्तान पहुँचती है तो मे बी दे वॉन्ट टू डू इट इन पाकिस्तान क्योंकि होस्ट टीम है खुद पहुँचे हैं दैट इज़ वन पॉइंट बट अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों पहुँच जाते हैं हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकलीकू टू ट्रैवल तो उसका क्या है सी आई टेल यू समथिंग कि एक चीज़ ना इज़ नॉट लॉस्ट ऑन एनी वन इंडिया की प्रेजेंस इज़ ड्राइविंग द इकोनमी तो आप ये पलट के मतलब बोल देते हैं लोग जो जि, मतलब जिनको बोलना है बोल लेते हैं कि मत आओ आप लोग मत आओ ठीक है इंडिया नहीं आएगी तो टूर्नामेंट का आप क्या करेंगे आप ये बताएं तो देखिए कौन तुम्हारा ज़्यादा पैसे कहां से पैसे बनेंगे? कहां से आएंगे आजकल मतलब ब्रॉडकास्टर आई एम श्योर आई एम नॉट प्रीवी अगेन बट इफ आई वाज ऑन द ब्रॉडकास्टिंग साइड तो मैं तो कहूँगा कि यार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होना चाहिए कि हुँ. इंडिया खेलेगा इंडिया अपनी टीम भेजेगा ये वाले मैच होंगे इतने बजे होंगे <laughs> नहीं तो आई एम नॉट पुटिंग इन द मनी वाय शुड आय मतलब मेरी मेजर ऑडियंस जो मेरा जो है वो उसको मैं केटर ही नहीं कर रहा हूं तो मैं कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नहीं करा रहा हूँ ना टूर्नामेंट मैं आई डोंट वांट टू बाय दीज राइट्स लेट्स ऑस्ट्रेलिया और चैनल नाइन और फॉक्स लेट देम बाय इट यार मुझे नहीं खरीदने हैं ये राइट्स hmm. तो फ्रॉम एनी टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू दे मस्ट दे विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड मुझे लगता है कि गेट मनी इज अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन द रियल मनी इज फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर तो वो तो तभी आएगी जब इंडिया आएगा इफ यू पॉज योर एंड वी आस्क कि जो ये देख रहा है और उसको अगर क्रिकेटर बनना है या उनके बच्चों को क्रिकेटर बनाना है या उनके एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं राइट वॉट इज द लाइक वॉट इज द एज कौन सी एज इज गुड एज किसी को ज्वाइन करना चाहिए क्रिकेट टू स्टार्ट ट्रेनिंग क्योंकि आज का कॉम्पिटिशन वुड बी वाइल्ड इन द कंट्री सो so, बच्चे को आई I मीन mean, अभी क्या हो गया कि वट इज द करेक्ट एज टू स्टार्ट सो आई टेल यू समथिंग सो समट हैपन सचिन पाजी जी खेले पंद्रह साल के थे खेल गए तो जब वो पंद्रह साल के खेले ना तो उसके बाद हमारे क्लब में सोनेट क्लब में बहुत सारे पेरेंट्स आते थे कि हमारे को न, सर हमें अपने बच्चे को ना टेंडुलकर बनाना है तो उस्ताद जी उनको वहीं से बिल्कुल साथ से डोर से वापस भेज देते थे गेट से कि यहाँ टेंडुलकर नहीं बनाते जी हम हम क्रिकेट सिखा सकते हैं टेंडुलकर तो पैदा हुआ था हम नहीं बनाते सॉरी तो उतनी जल्दी उसके बाद हुआ क्या कि ऑब्सेशन एक्चुअली स्टार्टेड कि स्टार्ट यंग 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 स्टार्ट स्टार्ट तो इतना यंग यू तीन साल के बच्चों को थोड़ा खिलाओगे गलत कर रहे हैं मत करो ऐसा के पास में वहाँ सेवन ईयर्स की एज में मेरे एक नेबर ने अपने बच्चे को ले और उसको मना कर दिया कि लेट हो गया ओ गॉड नो हम नहीं लेते ओ गॉड दैट्स रॉन्ग दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग सात आठ साल इज आई थिंक इट्स अ डिसेंट एज क्योंकि ऑनेस्टली यू डोंट लूज ईयर्स बहुत सारे लोग ये आपको बताएंगे कि अरे जल्दी स्टार्ट करोगे अदरवाइज यू लूज अ लॉट ऑफ ईयर्स आई से लूज अ फ्यू ईयर्स डोंट लूज अ प्लेयर यार क्योंकि आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग एंड बैटिंग तो हमारे क्लब का एक एक्चुअली एक रिचुअल था शुरू में hmm. पहले छः महीने ना उस्ताद जी कुछ करवाते ही नहीं थे सिर्फ नेट पे खड़ा रखते थे गर्म दिल्ली की 43 थ्री डिग्रीज हीट हो रही है दिस इज़ समर वेकेशन जहाँ पे बच्चा रोज़ आता है रोज़ उसको नेट पे खड़ा करते हैं वो बॉल उठाता है चला जाता है कह यार बैटिंग ही नहीं मिलती बॉलिंग ही नहीं मिलती इसका मतलब क्या लॉजिक क्या है इस बात का बच्चा तो रोज़ आता है कह रहे सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आएगा रोज़ क्योंकि अगर नहीं मिलेगी बैटिंग और बॉलिंग तो क्या आएगा मतलब इज जस्ट हेयर टू एक्चुअली विल ई जस्ट बी हेयर फॉर फील्डिंग मतलब उतना पैशन है या नहीं है उतनी सिंसेरिटी है या नहीं है तो जो टू मिनट नूडल्स वाला जो जो जनरेशन है वो उतना सोचने को तैयार नहीं होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जिस दिन बैटिंग बोलिंग नहीं मिली आपका खराब हो गया उस दिन तो आप छोड़ के चले जाओगे यार सो so, तो अलाउ थोड़ा सा तो टाइम दो अपने आप को एंड यू विल नॉट लूज एनीथिंग कि जब आपकी समझ में आएगा कि गेम बॉल सेंस क्या है कि आप बॉल आई हैंड कोऑर्डिनेशन कुछ बनता है यू स्टार्ट प्लेइंग यूर एटलीस्ट इतने बड़े तो हो जाओ कुछ सिखा सकूँ आपको सिखाना तो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न क्रिकेट तो उसके लर्निंग के लायक तो होना चाहिए अब लर्निंग के लायक ही नहीं है और तो आप उसको वहाँ पे ले जाते तो फिर तो फिर तो क्रैश हो गई कि बस माँ बाप ने छोड़ दिया डे केयर पे तो डे केयर तो नहीं हो सकता है ना

Prince, कर, कर, भी सब... रह, कर भी रहा है आ, उसे में क्यों? में तो नहीं ले जाना चाहिए था ठीक था जो टीम पिकी थी, पिक okay. भी, भी तो अब वो प्लेयर है तो वो तीनों फॉर्मेट भी खेलना चाहिए भाई ऐसा कोई लेजिट रूल तो नहीं है कि खेलना चाहिए मेक इट आई पी एल बहुत अच्छा करता है एक साल नौ सौ रन बनाए थे उसने सात सौ आठ सौ नौ सौ बड़े वो हेड अ ग्रेट सीजन विद गुजरात तो आई मीन वेरी यंग ही विल फिगर इट आउट पर अगर नहीं गया तो इट्स ओके रोहित शर्मा भी तो नहीं खेला था ट्वेंटी इलेवन का वर्ल्ड कप फाइन बट इट इज़ नाउ इंडिया इज मोस्ट सक्सेजफुल टेस्ट कैप्टन सो दैट इज एब्सोल्यूटली पा फॉर द कॉर्स डोंट वरी सो वन इज शुभमन दूसरा जो लड़का मुझे बहुत पसंद है वो है यशस्वी जायसवाल आई थिंक उसके पास बहुत उसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है एक्चुअली और मतलब फर्मली ऑन इज शोल्डर्स बहुत मेहनती है और है उसमें भी दम है उसमें लड़के में वो दूसरा है तीसरा इज ऋषभ पंत और ऋषभ पंत के पास भी वो कुछ है वो एक एक्स्ट्रा है एलिमेंट है, है है वो तो एक्चुअली बेचारा मेरे क्लब एक से एक, है। एक एक क्वालिटी बताओ तीनों की वायरे शुमन की जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो है दैट इज यू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द गेम मतलब पल्स को समझना गेम की आप बहुत साल खेलते हैं समझ नहीं पाते हैं कुछ चुनिंदा ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो जो कुछ जल्दी समझ जाते हैं कुछ इवेंचुअली समझ जाते हैं कुछ कभी नहीं समझ पाते हैं तो जो ग्रेट्स आपको दिखते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं तो जैसे विराट कोहली को वो गेम की पल्स जो थी बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी महेंद्र सिंह धोनी को जो वनडे में नीचे बैटिंग करने की जो पल्स थी वो बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी शुभमन गिल को वो जो पल्स जो गेम किया ना कि गेम का फ्लो कैसा चल रहा है उस फ्लो के अंदर मैं कहाँ फिट होता हूँ मेरा रोल कब कैसे चेंज करना है और क्या करना है वो उसे समझ में आता है वन हंड्रेड परसेंट की गेम कहाँ जा रहा है ये कहाँ जा सकता है मैं कहाँ ले जा सकता हूँ इसको ये मेरे अकॉर्डिंगली किस तरीके से चल सकता है ही इज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट अपने बारे में ही इज इज ये डज यशस्वी इज इज़ वेरी एक्साइटिंग यशस्वी क्योंकि इतना तप के आया है वो जो जहाँ से जो क्रिकेट खेल के आया है और जिस तरीके से पहुँचा है वहाँ तक उसमें उसमें वो बात है कि रीजिंग उसमें बात है कि वो आउटवर्क कर जाएगा सबको पॉसिबल वो पॉसिबल है उसके पास एक्चुअली एफर्ट इज उसके पास गेम भी है वो जो तीनों फॉर्मेट वाली गेम भी है अगर इफ़ वी वांट टू अगेन बी ऑब्सेस्ड विद दैट फैक्ट तो उसके पास वो तीन फॉर्मेट वाली गेम भी है आ, कि ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है और कहीं अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसको पूरा करने की उसके पास वो आई I मीन mean, वो जज्बा भी है सो दैट काइंड ऑफ

जब मैंने इसको पहली बार देखा एक्चुअली तो ऐसे एड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुरेश रैना एंड युवराज सिंह उसके खेलने का जो स्टाइल था उसका उसका वो कॉम्बिनेशन है इट्स अ फिनोमिनल कॉम्बिनेशन टू हैव व्हाइट बॉल क्रिकेट में पर जो उसकी जो खासियत जो निकल कर आई वो है एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में कि जब वो इंग्लैंड में खेला जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जब वो साउथ अफ्रीका में खेला आई मीन दैट वॉज समथिंग सेंसेशनल जहाँ पे गेम को पलट देना गेम को पलटना इन अ टी ट्वेंटी गेम एंड इन ओडिया गेम इट्स डूएबल हमने बहुत बार होते देखा है कि एक इनिंग्स एक प्लेयर एक स्पेल चेंज द गेम। टेस्ट क्रिकेट में बदलने के लिए ना एक सेशन खेलना पड़ता है तो एक सेशन खेलना एंड मोर तक जाना वो उसने मल्टीपल ओकेजन्स पे इंडिया के बाहर किया है तो

हम लोग एम एस धोनी लाइक वी वी ग्रू अप वॉचिंग हिम लव्ड एवरी थिंग दैट ही डेड और हम लोग फॉर्चुनेट वंस थे क्योंकि हमें बोलते हैं कि हमने सिर्फ एक डिफीट देखी लाइक दिस व्हाट वी ऑल से कि फर्स्ट डिफीट वज़ आई रिमेंबर स्पेसिफिकली आई वाज अ किड एंड टू थाउजेंड थ्री या फोर आई गेस वेर ऑस्ट्रेलिया से हम हारते हैं राइट सौरभ गांगुली वाले तो हम वो हारते उसके बाद हमने तीन चार साल इट वॉज नॉट अ फेज क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे 10th, 11th, 12th, wherever. And then हमने जीते हुए like, like hmm. मतलब, like अगर आप हमारी जो जनरेशन में जितने भी लोगों से पूछोगे जो क्रिकेट देखते हैं उनसे बोलोगे है, रोल मॉडल सो धोनी इज अ पोस्टर बॉय फॉर राइट बट फॉर यू यू सीन ऑल थ्री

बच्चों के साथ टू का इवेंट खेला दो में सीनियर्स के साथ खेला और सचिन पाजी का आखिरी वर्ल्ड कप था और उसके बाद उनका एग्जिट भी देखा तो वो सब कुछ धोनी के अंडर ही हुआ है सो आई से धोनी धोनी हैज टू गो डाउन एज कैप्टन वाई डू थिंक क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से इट मेक्स महेंद्र सिंह धोनी द बेस्ट कैप्टन इन इंडिया सी चेंजेस धोनी चेंज्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट ही अलाउड अदर्स टू टेक सेंटर स्टेज वेरी ऑफन की लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं उसका लीडरशिप फ्रॉम बिहाइंड इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी दैट यू सीन एनी वन लीडिंग बाई एग्जाम्पल आपको बहुत मिलते हैं लीडिंग फ्राम द फ्रंट आपको बहुत मिलते हैं लीडरशिप बाई कमिटी आपको बहुत मिलते हैं पर लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड इज़ अ वेरी डिफरेंट आस्पेक्ट जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं पर ही इज बीन दैट गाय कि आप कर लो नहीं हो पाएगा तो मैं आ जाऊंगा कि ये तू कर ले पहले ये उनके जब आप इफ यू सी हिम लिसन टू हिम एज अ कीपर तो पहले वो कहता है तू कर ले लेकिन जब तेरे से नहीं, नहीं हो, हो पाएगा हो तो फिर मेरी सुन ले फिर मैं बताता हूं कैसे करना है आई मीन दैट इज एक्सेप्शनल कि आप बहुत एक कई कई सारी चीजें हैं जिसमें एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है कि धोनी के लिए कितने लोग खेलना चाहते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि uh -huh. आप डू यू वॉन्ट विल यू गो थ्रू अ वॉल फॉर योर कैप्टन धोनी वॉज दैट कैप्टन पीपल वे लाइक हंड्रेड परसेंट मतलब आज की डेट में भी अगर आप फ्रॉम एन आई पी एल पार्लेंस आई एम येट टू कम अक्रॉस अ सिंगल प्लेयर जिसने चेन्नई के लिए खेला हो और जिसने कभी भी कोई बैड माउथ किया हो चेन्नई को धोनी को या फिर टीम like, कि हाँ धोनी के साथ थे हाँ उसके साथ खेल रहे थे अच्छा था आई मीन एक्सेप्शनल लव ये कितने साल इसे लव नहीं है लव तो लव कमाना पड़ता है ये वाला, ये वाला वाला क्योंकि ना सी यू हैव टू बी फेयर यू हैव टू ऑल्सो एट टाइम्स यू आर अ कैप्टन मतलब दोस्ती यार एक जगह है यार बट uh -huh. मुझे टीम चलानी है मुझे टीम जितानी है इफ़ यू डोंट वर्क आई गो विद समवन एल्स नो तो वो सब कुछ करने के बाद भी अगर सबके साथ किया होगा एट सम स्टेज क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि एवरी टाइम यू यू गॉट लेकिन उसके बावजूद अगर आप दस साल पंद्रह साल के बाद कहते हो यार यार ब्रिलियंट दैट वॉज माई टाइम आई रियल लव इट तो फिर इसका मतलब भाई कुछ अलग ही कर रहा था डी तो कि कुछ तो मैंने नोटिस किया विच इज इनसेन सेन एम एस के साथ एम एस आई गो बैक इन अ वेरी स्ट्रेंज वेड फोर देर वॉज इज इंडिया एट जिम्बाबे इन कैनिया आई हैड ऑलरेडी हैडी फॉर इंडिया मैं खेल चुका था सो हाँ. बेंगलोर so, में हमारा कैंप लगा तो होटल पहुँचे तब हम रूम शेयर करते थे यू एन महेंद्र सिंह धोनी अब मुझे तो मैं पूछा मेरा कौन है रूममेट कह जी महेंद्र सिंह धोनी मैंने कहा जी कहाँ से आते हैं ये कह रही है रांची के हैं मैंने कहा अच्छा ओके तो देट वॉज हाउ आई वॉज असाइंड रूम और मैं तो दिल्ली का लड़का अभी अभी इंडिया खेल के आ रहा हूँ मैं तो अभी इंडियन टीम का करंट प्लेयर हूँ एक्चुअली मैं शोर हाँ, मैं तो ऑब्वियसली uh, मैंने उसको एक बार खेलते देखा था हम कहीं खेल रहे थे और ईस्टर्न पोर्ट सिटी है तो वहाँ पे उसने रन बनाए थे देव दो ट्रोफी का एक मैच था बट दैट वॉज माई इंट्रोडक्शन टू टूम उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कभी बात नहीं हुई हमारे अगेंस्ट रन बनाए थे बट देन बहुत सारे लोग बहुत बार बहुत लोगों के अगेंस्ट रन बनाते हैं ये लंबे बाल वाला कोई लड़का था खेल रहा था बट उसके बाद रूम मेट फोर अंथ और दैट वॉज धोनी दैट आई नो वो ऑब्वियसली वॉज अ वेरी डिफरेंट धोनी क्या डिफरेंट था सब कुछ ही लगता है यार वो दो तीन तो फोन रखे हुए थे फोन बजे जा रहे हैं मगर फोन उठा ले यार नहीं भैया बजने तो ये बचते रहते हैं ऐसे ही ओके okay, मैंने उससे पूछा कितने बजे सोता है क्योंकि तो अब दो लोग हैं भाई यू हैव टू फिगर आउट अ टाइम कह रहे जब आपका मन करे आप लाइट बंद कर देना मैं सो जाऊंगा क्या खाता है नो इज इज नॉन वेजिटेरियन आई वेजिटेरियन आई मीन दिस इज नॉट अ ग्रेट पार्टनरशिप तो क्या ऑर्डर करें आप जो करो कर लो ही वॉन्ट कॉल द रूम सर्विस ही वुड नॉट कॉल द रूम सर्विस की जे वो फोन नहीं उठाता था, था। फ़ोन उठा के नीचे नहीं करना नीचे से आते हुए पेस्ट्री खा के आ जाएगा विच इज़ ओके पर फोन बेचारे ने कमरे में मेरे ख्याल से एक महीने उसने बेचारे ने वेजिटेरियन खाना खाया क्योंकि मैं तो कुछ और ऑर्डर कर ही नहीं रहा हूं mm. और वो फ़ोन उठा नहीं रहा है तो जब आप जो कहोगे कर दोगे तो फिर तो इन वेजिटेरियन ही आने वाला है फिर तो नहीं आएगी चिकन नहीं आ सकता है भाई तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट धोनी पर आई मीन केयर फ्री बट नॉट केयरलेस दैट्स वॉट दैट्स वॉट आई हाउ आई डिफाइन इम कि केयर फ्री बहुत था कि वेरी कॉन्फिडेंट हैप्पी विद वेरी वॉज पर केयरलेस नहीं है क्योंकि जब मौका मिला तो कैनिया में मिला उनको मौका जिम्बाबे में ही डेंट गेट टू प्ले पर जब मिला तो देन ही बैट इल लाइक लाइक अ मैन पोजेस्ट ही वॉज आउट स्टैंडिंग उस टाइम पर मैंने उसको आई I मीन mean, उससे पहले मैंने कभी किसी को फास्ट बोलर को ऐसे रिवर्स स्वीप मारते नहीं देखा उसने मारा इफ्तिकार अंजुम करके एक पाकिस्तानी बॉलर था 140 पे डालता था ये ऑलरेडी प्लेट फॉर पाकिस्तान उसने पहले ऐसे मारा उसको फाइनल लेग अंदर था वहाँ चौका गया तो उसने फाइनल लेग पीछे करके थर्ड मैन अंदर गया उसने फिर इसको ऐसे मारा थर्ड मैन के वहाँ से चौका इज़ दिस गाय यार कुछ क्रेज़ी मैंनेट पर बॉलिंग करता था मैंने कहा क्या कर रहा है बैटिंग कर ले यार कह रहा नहीं आप भी करनी है बैटिंग आप कर लो मुझे बॉलिंग करने में मजा आ रहा है क्यों धोनी धोनी <laughs> क्योंकि आई I हमें mean, खेलने को मिल नहीं रहा था hmm. वो वो खेल रहा है वो मतलब जस्ट जस्ट बीइंग हैप्पी विद वेयर ही वाज वो दिनेश कार्तिक को बॉलिंग कर रहा है यार दिनेश कार्तिक इज कॉम्पिटिटर वो मेरा रूममेट है मैं उसको मना कर रहा हूँ इसको क्यों कर रहा है तू भी तो बैटिंग कर ले अब वही अगर बैटिंग करता रहेगा वही रन बनाएगा तो तू कब खेलेगा कह रहे नहीं इट्स ओके मुझे बॉलिंग करनी है आपने करनी है बैटिंग <laughs> कर, कर, कर लो मुझे मुझे बॉलिंग करने दो कर ले भाई तो बट पूछा है रूम में कि भाई तू तो क्यों करता है बोलिंग कुछ तो ना मजा आता है और बोलर बनना भी नहीं, नहीं? है। नहीं तो अभी भी इनफैक्ट दिस इज फिनल हाउ इज 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 सो मतलब कहते ना वो टैलेंटेड टैलेंट इज इज वेरी कैजुअली पर ये बड़ा टैलेंट है कि कीपिंग भी उसने जिंदगी में उतनी नहीं की है आज भी जब आता है तो कीपिंग नहीं करता है पर हाथ तो बहुत अच्छे हैं

में, ही राइट? तब कोई पूछा तेरी पर्सनैलिटी तो यार पहले तो इतना शायद जैसा था आज तू कॉल करता है शॉर्ट तू बड़े बड़े प्लेयर्स को गिरा देता है तो ये करता है तू इंडिया टीम uh, क्या कर रहा है uh, ये हाउ डिड दिस चेंज कम इन यू वेर

पोलियो सेल बैक तो फिर ऑब्जेक्टिविटी रहेगी एंड योर लॉयल्टी इज नॉट विद पीपल हुआ प्लेइंग यूर लॉयल्टी इज विदिंग एंड रिसेंटली युवराज सिंगा मेड अ कॉमेंट कॉमेंट आई हर्ड दैट की मेरे बेटे का करियर धोनी ने खराब किया वाई डू यू थिंक ही सेट दैट आई डोंट वट योर गैस्ट लाइक वाई इज दिस

मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है आई वुड नेवर टॉक टू हिम लाइक दिस और और अबाउट दिस वाई शुड आई नॉट माई प्लेस पर वो सोच हो सकती है पर ग्रज ये भी हो सकता है कि टूवर्ड्स दी एंड की कम मौके मिले मौके ज्यादा मिलने चाहिए आई थिंक दैट्स वॉट ही सेट वो दैट दैट क्लिप ए हर्ड पर आई डोंट नो इफ इफ युवराज हैज एनी ग्रज सी क्या मैटर करता है अभी मेरे पापा क्या सोचते हैं उस सेलेक्टर के बारे में जिसने कहा था कि आ, वो अच्छा खेलता है या तुम्हारे रन कम थे या तुम्हारा वो था दैट डज नॉट मैटर माई फादर कैन थिंक एनी थिंग बट आज की डेट में जब मैं इतनी दूर वहां से चला गया आ, तो उसके बाद हाई डोंट होल्ड सेलेक्टर यार ठीक है अब उस उनके इस टाइम पे ही थॉट कि दिस वाज द बेस्ट थिंग टू डू तो उन्होंने किया उन्होंने किसी को चांस दिया उसने इंडिया के लिए अच्छा भी किया दैट सेट यार mm -hmm. अगर मैं खेलता शायद मैं उतना अच्छा करता उसने किया शायद उसने मेरे से बेहतर किया है आई मीन फेयर ठीक है यार ओके मैटर okay. अब तो नहीं करता एक्चुअली वेन यू लुक बैक नथिंग मैटर्स Honestly, क्या ही फर्क पड़ जाएगा मतलब इस इंडस्ट्री में घुसे सो so, कैसे कोई घुस सकता है like, किसी okay. आना हो, तो वट इज द प्रोसेस यूर लिविंग सेकेंड ड्रीम बाय द वे दिस इज वी ऑल टॉक अबाउट इट इंटरनली एक्सटर्नली कि हिंदुस्तान में जो बच्चा क्रिकेट देखता है हर बच्चे का सपना है कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलू करेक्ट लेकिन सेकेंड ड्रीम है कि मैं क्रिकेट का पार्ट बना करेक्ट एंड उसके बाद भी फेम पैसा चीजें लाइक एवरीथिंग यूर गेटिंग एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम इट लाइक सो द सेकंड बेस्ट ड्रीम इज योर लिविंग लिव्ड अ वेरी प्रिविलज लाइफ अ ब्लेस्ड लाइफ तो मैं एक्चुअली तो बहुत समय तक जब वो पहले वो हो होता था ना क्या था एमएसएन का मैसेजर होता था तो उसमें मेरा था फेवरेट फेवरेट चाइल्ड चाइल्ड सेल्फ कि गॉड हैज बिन एक्सट्रीमली काइंड कि जहाँ से मैच आता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया और जहाँ पर हूँ पहले क्रिकेट खेली उसके बाद क्रिकेट की बात करता हूँ और बट अगेन कि डेस्टिनी कैसे लेकर चलती है सो so, जब मैं खेल रहा था डेली के लिए खेल रहा था अर्ली ईयर्स फर्स्ट टू थ्री ईयर्स सो एक इंश्योरेंस कंपनी मेरी जॉब लगती है स्पोर्ट्स कोटा में ओरिएंटल इंश्योरेंस सो साढ़े तीन चार हज़ार रुपये सैलरी थी मेरी सिर्फ बट स्पोर्ट्स कोटा में जॉब लग गई एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि कुछ तो हुआ है लाइफ में सो आई वाज देयर अब उन्होंने रख तो लिया उसका क्राइटेरिया था कि आप रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर होने चाहिए सो आई फुलफिल दैट क्राइटेरिया आई बस यंग उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको छुट्टी नहीं देंगे मैंने कहा छुट्टी नहीं दोगे तो मैं खेलूँगा कैसे कह रहे नहीं दैट इज़ अनपेड लीव तो 2003 का वर्ल्ड कप होता है टू थाउजेंड थ्री का वर्ल्ड कप होता है इंडिया लूज इज द फाइनल uh, लेट अरुण जेटली जी वॉज देयर तो mm. वो मैच देखने गए थे और उस समय डी डी सी के प्रेजिडेंट थे क्रिकेट mm. का थोड़ा डोटेड mm. uh, मतलब mm. तो वहां से वापस आते हैं डीडीसीट ही मिलते तो काफी भार मिलते रहते थे क्योंकि इन्वॉल्व थे कहते अच्छा क्या दिक्कत आ रही को, कोई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ तो वी ऑलवेज आज कि भाई इफ़ आई वुड बी ऑफ एनी हेल्प मैंने कहा सर जॉब में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि तो ये जॉब तो लगी है पर वो सैलरी नहीं देते और छुट्टी भी नहीं देते तो ये क्या तरीका वो कैसे खेलो खैर अच्छा मैं देखता हूँ कुछ तो उस समय मिसे शोभना भरतिया जो हिंदुस्तान टाइम्स की ओनर है सो शी हैड ऑल्सो गॉन एंड जेटली जी एंड भरतिया जी वुड फ्रेंड्स तो उन्होंने उनको बोला कि हमारे दिल्ली के दो बच्चे हैं इनको ना जॉब की थोड़ी हेल्प चाहिए अब क्रिकेट फाइनल जेटली जी एंड एंड दैट रिलेशनशिप तो दे ऑफर्ड मी एंड गौतम अ जॉब हाँ दो बच्चों को हम जॉब देते हैं तो गौतम गौतम एक्चुअली उसने ओ एन जी सी ज्वाइन की आ, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन की तो हिंदुस्तान टाइम्स 2003 मैंने ज्वाइन कर लिया एंड देन आई प्लेट फॉर इंडिया इंटरेस्टिंगली ना वो तो तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर देवर गिविंग देवर मंथली सैलरी पर वो मुझसे कुछ काम ही नहीं कराते थे, थे। तो मैंने कहा रहा तो बड़े मतलब तो काम तो नहीं करा रहे हैं बढ़िया जॉब है लेकिन जॉब तो बड़ी अच्छी है <laughs> पर एक रियलाइजेशन भी थी कि बेटा इस सारे टाइम तो नहीं चलेगी क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल दैट नो दे नॉट पेइंग यू एट ऑल वो उसके अंदर लिखा था कि वो आठ दस दिन शायद अपियरेंस के लिए किसी का इवेंट के लिए बुलाएंगे और कभी कुछ बुलाते ही नहीं है 2004 के बाद आई साइड गोइंग टू इंग्लैंड दो हज़ार चार दो हज़ार पाँच इवेंट टू इंग्लैंड और समर में खेलने के लिए सो देन आई स्टार्ट राइटिंग एन आर्टिकल फॉर देम मैंने कहा कुछ तो कंट्रीब्यूट कर बेटा नहीं तो ये निकाल देंगे तेरे को hmm. कुछ टाइम के बाद फिर जॉब भी नहीं रहेगी <laughs> तो तो आई स्टार्टेड राइटिंग सो वहाँ से क्रिक इन फो पिकडअप तो वो कहते हैं यार ये लिखता तो अच्छा है तो देन दे सैड कि अच्छा डू वॉन्ट टू राइट फॉर अस टू थाउजेंड सेवन एट आई स्टार्ट राइटिंग फॉर देम तो उनके लिए मैंने टेक्निकल पीसेज लिखने शुरू किए अब टेक्निकल पीस में लिख रहा हूँ लिखने का थोड़ा शौक हो चुका है क्योंकि आई हैव बीन राइटिंग एंड रीडिंग एंड नॉलेज दैट आई बिकेम द स्टूडियस काइंड और इंडियन टीम से ड्रॉप हो चुके टाइम भी है hmm. तो फिर मुझे कोई मिलता है जो कहता है कि इंग्लैंड में मैं खेल रहा हूँ तो संभडी सिद्धार्थ वैग्यनाथन करके एक राइटर uh, थे सो ही मेट मी इन इंग्लैंड उसने कहा यार वाई डोंट यू राइट लाइक अ डायरी अ डेली नोट लिख एंड मे बी इट बिकम्स अ बुक ये भी ठीक है ऐसा कर लेते हैं इस बार डोमेस्टिक सीजन में ये काम कर लेते हैं सो so, जब हम टू थाउजेंड सेवन में आई स्टार्टेड जब इंडिया आया uh, तो मैं डेली अपनी डायरी लिखने लगा लैपटॉप आई यूज टू कैरी और यूज टू राइट एक दिन का नोट पक्का लिखता था दैट ईयर वी वन द रजू ट्रॉफी आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स आई बिकेम द दाइज रन स्कोर और सडनली uh, वो आई सी एल हुई आई गॉट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आई केम सो क्लोज टू प्लेइंग फॉर इंडिया ऑल्सो सो सो दिस ग्राउंडिंग स्टार्टेड कि अब ये हो रही है साइमल्टेनियसली हो रही है इंटेंशनली नहीं हो रही मतलब कर रहा हूं विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या करने वाला हूं बट से अभी ये, हो, ये है। तो हो चुका है, है। स्टार्ट सो दे राइटिंग रोट अनदर बुक जब uh, सा, सा, राजस्थान गए तो एक बुक तो ऑलरेडी लिख चुके थे तो दूसरी बुक भी लिख दी uh, तो 2013 के आसपास देन राइटिंग so writing. Writing तो हो ही आता कि भाई ये तो लिखता ही है yeah. लिखता तो पक्का ही है सो uh, so वहाँ पर देन uh, मैं जो टेक्निकल एनालिसिस वाले जो पीसिस थे वो स्टार में किसी ने पढ़े उसने कहा मेरे को ये वाला शो डिज़ाइन करना है जिसके लिए मुझे आकाश जी है

देर कम्स अ टाइम जहाँ पर आप सोचते हो कि यार और कितना ही पुष करना है मैंने मतलब क्या मैं ये जो जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ इज इट गिविंग मीनफ जॉय एंड ऑल्सो इज इट गिविंग मीन नफ मनी या फिर और तीसरा क्या इसी का मैं कहना है जस्ट ऑफ शूट कुछ और कर सकता हूँ क्या विच इज थिंग फॉर द फ्यूचर तो देट इज हाउ आई गॉट टू मुंबई केम टू मुंबई बहुत काम किया पहले साल आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नोइंग की कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है साइंड अप फॉर सम टू सिक्सटी डेज ऑफ वर्क इन आई बाद में मुझे किसी ने समझाया टू सिक्सटी टू एट्टी टू नाइन्टी डेज तो मुझे किसी ने बाद में समझाया कह रहा तो अगर बीमार हुआ तो कैसे करेगा ये क्योंकि पाँच दिन हफ्ते में काम होता है दो वीकेंड होते हैं सौ दिन तो हो गए तो इफ़ यू फॉल इल वॉट विल यू डू बेटा मैंने कहा ये तो सोचा ही नहीं ये कैसे हो सकता है आई साइन अप फॉर सो मेनी डेज तो आई यूज टू गो टू ऑफिस कि जाता हूँ ऑफिस जाता हूँ दस दस घंटे बैठता हूँ आई गो थ्रू फुटेज रीम्स ऑफ फुटेज चले जा रहा है चले जा रहा है पुराना स्टाइल बट आई लर्निंग एम लर्निंग एम लर्निंग एम लर्निंग एम लर्निंग तो आई एमटिंग पेड एंड एम ऑल्सो लर्निंग एन आम स्पेंडिंग एफ टाइम तो धीरे धीरे वहाँ से अकॉर्डिंग टू ब्रॉडकास्टिंग वट वज द पॉइंट जहाँ पे यू फेड लाइक अब तो नाव मेड इट इन कॉमेंट्री हाँ क्योंकि क्रिकेट में तो बहुत क्लियर पॉइंट होता है कि इंडिया टीम में खेल लिया नाव मेड इट इसमें क्या पॉइंट था क्योंकि हर टाइम एक डर लगता रहता है आज नौकरी है कल नहीं होगी आज मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आई डोंट नो वट्स कन हैपन्स कोई एक्स बहुत बड़ा प्लेयर आ जाएगा हटा देगा सो लाइक टुडे आई एम श्योर यू आर सिक्योर अबाउट दिस कि I, आपकी पोजिशन को हटा नहीं सकता ऑडियंस ऑल्सो नो दिसक इट्सेंसी नहीं है इनफैक्ट like, ये अभी जिस जिस हॉलीडे पर अभी हम hmm. होके आए थे hmm. तो उस पर जाने से पहले भी मतलब आई वॉर टॉकिंग टू आक्षी कि कॉमेंट्री uh, में ना थोड़ा सा और कुछ री इन्वेंट करते हैं यार क्योंकि री करते रहना पड़ेगा वरना थो थोड़ा सा मोनटनस हो जाएगा True. और दर इज ओनली सो मच यू कैन डू मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप क्रिकेट के बारे में तो क्रिकेट की ही बात करोगे क्या ही और कर लोगे मतलब देर इज अ लिमिटेशन टू तो इट पर उसके अंदर भी लेट्स ट्राई कुछ तो करते हैं mm -hmm. तो कम्पलेसेंसी नहीं है बट सिक्योरिटी है यू आर एब्सोल्युटली राइट और but ये पता कहाँ चली थी हाँ uh. पता कहाँ चली कि आई आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट बट आई डिड मैंने लोगों को ना प्लेयर्स को मिडिल नेम देना शुरू किया एंड मिडिल नेम क्वालिटी ऑफ थे हर किसी की क्वालिटी जैसे एग्जाम्पल जैसे कि विराट रन मशीन विराट रन मशीन कोहली चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा अजिंक्या वॉज कंसिस्टेंट रहने दट टाइम uh -huh. uh, महेंद्र वॉज दे धनादन धोनी <laughs> uh, युवराज वॉज विस्फोटक एंड ऋषभ वॉज ताबड़तोड़ सो मतलब वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट राशिद कराम आती खान uh, कमाल लाजवाब राहुल सो आई स्टार्ट गिविंग नेम्स ना मैं तो दे रहा हूँ थोड़ा सा इधर उधर फीडबैक भी आता है कि अच्छा है कुछ लोगों को अच्छा लगता है कुछ लोगों को खराब लगता है विच विल ऑलवेज द केस मतलब सारे तो लोग खुश नहीं होंगे बट देन वन डे आई थिंक दिस वॉज ट्वेंटी आई थिंक ट्वेंटी सिक्सटी ही होगा इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी वानखेड़े में मैच था सो वी आई वॉक अ थर्टी मीटर बड़ा बैनर यार विराट रन मशीन कोहली ओके wow. सो okay. so, इसका मतलब कुछ तो कुछ कर रहा हूं जो चल रहा है जो कि चल रहा है मतलब इट मेक्स सेंस या फिर मतलब फिर देन देन देवर लॉट्स ऑफ हाइज जिससे रियलाइज हुआ कि पीपल एक्चुअली ब्रॉड पोस्टर्स यार मेरे पोस्टर्स इन क्रिकेट फील्ड मतलब मैं तो खेलते हुए नहीं आया कभी पोस्टर स्पीकिंगज मी प्रॉपरली क्योंकि सारा टाइम या तो बैटिंग करता में या शॉर्ट लग पे हेलमेट में मेरी शक्ल लोगों को नहीं पता थी परिंगी फीट बिग पोस्टर विज उसके साथ वो लाइने लिखी हुई है जो मैंने बोली होंगी या कुछ किया होगा and, and, I mean, grounds, और अकेला तो मैं अकोमिडेटर नहीं हूँ हाँ. बाकी भी लोग हैं पर जब आपको दिखता है कि इतना प्यार आपको कोई दे रहा है कोई मिल रहा है अभी पीछे पिछले वाले पिछले आईपीएल में लखनऊ में देर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल वो वेयरिंग टी शर्ट्स विद माई पिक्चर ऑन इट एंड पीछे कुछ करके लिखा हुआ था आई मीन दैट्स हम्बलिंग दैट्स हम्बलिंग एंड दैट इज वन यू नो कि टुट गॉड्स बीन अगेन वेरी काइंड कर लिया कि कुछ तो सही हुआ है सी आई कॉन्ट क्लेम कि मैंने सही किया है क्योंकि आई I हमें mean, करने की कोशिश आप कर रहे हो पर वो सही है या गलत है हाउ डू यू नो यू आर पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स की अब उसके बाद अब एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है हेट होता है लाइक like होता है यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट और मोर इम्पोर्टेंटली हम तो लाइव कर रहे हैं यार सो इफ यू सी लॉड ऑफ ब्रॉडकास्ट ना हो तो उसके अंदर वो नीचे स्लग आता है तो स्लग में बेसिकली वो प्लेयर का नाम होता है hmm. तो इन अ लॉट ऑफ प्लेसेज यू विल फाइन रन मशीन कोहली करामती खान Kamal Jabbar, Rahul, and and then you feel yeah okay fine this is hmm. this is nice. I, I, it so has landed right. Well. It's like incredible Premier League. Yeah, yeah. So incredible Premier League was me. me. Hmm. So that way, okay. you coined and what terms. And it has become now. What's na? the best, best poster you have seen for you? Yeah, I saw a guy with a tattoo of your name. Yes, Akashwani, Akashwani. So, I mean, wow. री वेरी हमलिंग इन सेन ओके कभी कोई प्लेयर है आपके पास और बोले क्या मेरे को ना ऐसे इंट्रोड्यूस करना नहीं कभी किसी ने कहा ऐसे कभी नहीं कहा एक्चुअली मैंने प्लेयरों से बड़ा कुरे उनको मैंने कहा सुनते हो तुम्हें पता है कि ना सुना है भैया आप अच्छा कह रहे थे तो आजकल तो क्या कभी आप छोटे बच्चे हो गए ना मतलब मेरी मेरी जनरेशन वाले प्लेयर्स आ वेरी फ्यू आर प्लेइंग पर अब जो हैं वो वो तो भैया भैया वाले हैं सारे

तो देर पीपल दे वी फील है हाँ ठीक है अच्छा हंस लिए बोल लिया बट नो ओके टेल मी कॉमेंट्री बॉक्स का बिहाइंड द सीन जो हमें नहीं पता चलता अब लाइव रहते हो राइट right? तो आपके पास इतने स्टैट्स टूल्स क्या क्या रहता है लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव इन योर इन फ्रंट ऑफ यू क्या आपको हर चीज पता होती है आप हर चीज बोलते जाते हो सी हमें क्या क्या पता होता है सो देर इज देर इज अयर पीस दैट इज कनेक्टेड टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर उसमें एक स्टैटो भी है स्टेटिस्टिशियन भी है बट ही विल ओपन इज की वेरी वोंट बी इन योर ईयर ऑल द टाइम आपके पास एक छोटा सा एक फ्रूट मशीन होती है उसको फ्रूट मशीन बोलते हैं क्यों बोलते हैं पता नहीं hmm. uh, उसके अंदर वो जो मैच चल रहा है उसकी डिटेल्स रहती हैं कि इसके ओवर के इस बॉलर के ओवर हो गए इतने पे खेल रहा है इतनी बॉले खेल चुके हैं इतनी बॉले हो चुकी हैं बाउंड्री लगे हुए दिस इज द नेट रन रेट दिस इज द रिक्वायर्ड रन रेट एंड ऑल ऑफ दैट वो डिटेल्स रहती हैं तो उस मैच में जितने प्लेयर्स अभी सामने देख रहे हैं उन सबकी पूरी डिटेल्स नहीं उतनी नहीं उतनी ओके उतनी सिर्फ बैट्समैन सिर्फ दो बैटर जो खेल रहे हैं दो बॉलर जो डाल रहे हैं बस यही आता है एक यूल है सामने मैच चल रहा है बस और इसको देख के आपको बोलते जाना है तो वॉट माइंड सेट लाइक क्या प्रिपेयर करते हो आप जाने के लिए डू यू प्रिपेयर फॉर सी आई फोर गोइंग अ मैच वॉट इज योर प्रोसेस आई एम श्योर क्योंकि एक दिन पहले कुछ तो प्रेशर रहता होगा कि अगले दिन लाइव जाना है दिमाग में अभी उतना नहीं है एक्चुअली टू वेरी ऑनेस्टली नॉट लेकिन लेकिन, शुरू में तो बहुत होता था और पहले ही ना अब जैसे 45 डेज का ब्रेक होने वाला है मेरा बिफोर अब ये रेयर ब्रेक ऑफ 45 डेज बट देर इज अ ब्रेक ऑफ 45 डेज सो फर्स्ट डे वन आई पिकअप द माइक तो होगा तो वो होगा बटरफ्लाइज़ इन में स्टमक कि सबको ठीक जाना चाहिए वो रिदम आना चाहिए वो फ्लो आना चाहिए मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम अ कॉलर मेरे पास फ्लो अगर ख़राब हुआ कि कहीं पे शब्द मिस हुआ शब्द खा गया कहीं पे वो टेंस खराब किया तो मैं जो पिक्चर मैं पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ जो पेंट करने की कोशिश करूँ उसमें दो ब्रश खराब लग जाएंगे और वो दर् दो ब्रश अगर नाक खराब हो गया तो फिर फोटो अच्छी नहीं बनेगी तो वो दैट इज माय बिगेस्ट कंसर्न तो उसके अंदर मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि बहुत ज्यादा मुझे डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स नहीं जाना है मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे चाहिए क्योंकि मुझे हैव टू बिल्ड द गेम सो मेरा काम इज टू बिल्ड द गेम तो बिल्ड करने के लिए मुझे जितने एलिमेंट्स चाहिए उतने मेरे पास उतनी आर्सनल मेरे पास होनी चाहिए और वो पहले मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है uh, सिर्फ सीरीज का पहला मैच पहला दिन फर्स्ट सेशन दैट इज क्रिटिकल कि आई पी एल दैट इज फिर तो हर वाले में आई पी एल का पहला मैच पहला दिन इज इज हाई इंटेंसिटी प्रेशर वाला थिंग क्योंकि प्रेशर है ए, मतलब yeah. मैं खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा इफ आई डिन मतलब एक साल के बाद एक इवेंट आया या फिर फाइनल है सो ना फाइनलेश यू विल बी कॉलिंग द फाइनल बॉल तो उसके लिए अगर आपने तैयारी नहीं की हुई है और वहां अगर इफ यू फॉल शॉर्ट then you are dead then don't do it hmm. then you don't do it i i, I messed up once 2015 mein i messed up that है? was my lesson uh, kumar sangagara ji ka farewell game tha this was my first or second stint as a proper commentator to mai dono language kar raha tha english bhi kar raha tha hindi bhi kar raha tha so, जब उनका वो आउट हुए और वो जा रहे थे तो दैट वाज आई वाज इन इंग्लिश कमेंट्री विद समबडी जिसमें साथ बैठा था उसने माइक रखा नीचे उसने कहा आकाश ऑल योर्स और मेरे पास कुछ बात करने के लिए था ही नहीं मतलब जो कुछ था इट वॉज यार मतलब फॉर नॉर्मल डिसमिसल इट वॉज ओके दिस वॉज संगाकारा फिनिशिंग हिज लास्टेस्ट करियर इन फ्रंट ऑफ हिज होम क्राउड आफ्टर स्कोरिंग दैट मेनी रन एंड वट एवर वट एवर एन वेरी लिटिल आई स्पॉइल्ड इट आई रूइंड इट श्रीलंका में था ये तो दैट टाइम आई रियलाइज कि ये नहीं हो सकता दोबारा इफ आई डू दैट अगेन

गलतियाँ कैसे मतलब एक एक गलती मुझे याद है क्योंकि आई गॉट ट्रोल्ड फॉर इट एज़ वेल वो होने वाला है अह uh, एक एक मैथ का कोई एक एक वो पोल था पोल का स्टैटिस्टिक्स आया था नीचे हम सो इट वाज 49 47 एंड 3 और व्हाटएवर 49 47 एंड 4 4 हां एंड आई सेड यार ये तो सही नहीं होता क्या बात कर रहे हैं यार एंड देन आई रियलाइज्ड व्हाट तो क्या है ये मिस्टर चोपड़ा आई मीन But then I realized this is like just <laughs> was overworked. My excuse. But uh but having I mean, more or less it. I have not. I have not. Call, think, no chance. No chance. What's your favorite moment? In commentary? Yeah. My favorite my Mom moments. Moments. I'll tell you moments. Why? Okay. So the biggest high that I get hmm. is when I predict something.

अगेन विल हैव दर ओन फिलोसफी माई फिलोसफी इज वेरी डिफरेंट फर्स्टली ऐसा क्यों होता है ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता hmm. चक्का चक्का है भाई कि उसने कहा छक्का पर छक्का हुआ ही नहीं ah. ये क्या मतलब हाउ हाउ डिड यू सी दैट सो रॉन्ग तो जब हम हॉफ ट्यूब कर रहे होते हैं हम टी वी पर देख के कर रहे होते हैं तो हमें भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है ओके okay. मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कैमरा नहीं है ओके सो इट्स नॉट लाइक मेरे पास कुछ नहीं है तो कई बार आप क्या देखते हो आपने देखा स्ट्राइक अच्छा हुआ है अब स्ट्राइक अच्छा हुआ है इस साइड की बाउंड्री भी आपके जहन में है कि ये वाली बाउंड्री जो तो राइट साइड वाली बाउंड्री थी ना वो छोटी थी जाएगा तो निकल जाएगा पर वो नहीं निकला तो यू गेट स्टक सो so, वो गलतियां हो सकती हैं और बहुत लोगों से होती है बार बार होती है पीपल डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वो उस को समझ नहीं रहे कि उसे भी नहीं पता है yeah. उससे भी आइडिया yeah. नहीं उसे लगा कि बहुत अच्छा शॉट था पीछे फील्डर पिछली बॉल पे तो था नहीं यार yeah. अब आ, गया oh, मेरे yeah. डायरेक्टर ने मुझे दिखाया नहीं हाउ वुड आई नो कि वहां पे फील्डर है अब सो आई एम कॉमेंटिंग ऑफ सो माय ट्रिक टू दैट इज स्टार्टेड माई ट्रिकार्टेड में भी हम यही बात करते हैं कि जस्ट बाई टाइम अच्छा स्ट्राइक ऊपर गया है कितनी दूर गया है आई आई एम एम बाइंग बाइंग टाइम द इवेंट टू हैपन सो दैट वो गलती ना हो पर उसमें भी गलती होगी जैसे एक दिन था कि इडन गार्डन में मैच था किसी का ऐसे शॉट लगा उसके टॉप एच पे बॉल लगी मैंने टॉप एच पे है यार पीछे फील्डर है वो लेकिन ईडन गार्डन स्मॉल ग्राउंड वो 55 यार्ड्स की बाउंड्री थी वो 55 56 का छक्का हो गया <laughs> वो फिर किसी कोई फेमस कोई था कोई बंदा कोई होगा वेरीफाइड अकाउंट उसने डाल दिया यारे कॉमेंडेटर <laughs> है इंपॉर्टेंट बिट इज की गलती को ओन करना है।, है। yeah. कि गलती हो गई ना यार। कोटेंट हैबाउट बुमरा एंड स्टाक ऑन आई पी एल पे करेक्ट करेक्ट राइट बुमरा वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है उसको तो right? बारह अच्छा uh, <laughs> right? yeah, 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 yeah. करोड़ मिल रहे हैं करेक्ट स्टाक को पच्चीस करोड़ मिल रहे वॉट इज दिसक्ट राइट वाई डिड यू से

क्योंकि टीम नहीं छोड़ेगी उसको टीम नहीं छोड़ेगी देर इज अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गोन गो तो वो नहीं जाएगा विराट कोहली नहीं आएगा सो दिस इज वॉट इट इज पर अगर बुमरा बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड का और हमारी लीग है तो उसके अंदर वो अगर 12 करोड़ के पर्स पे है उसकी सैलरी अगर 12 है और स्टॉक डिसाइड करता है इट कुड बी स्टॉक इट बी कुंगनी आई वॉन्ट मोर इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं पचास करोड़ मिलने चाहिए छोड़ो hmm. पच्चीस जब हाँ. जब लीग ही बिलियंस में आया तो क्यों नहीं मिले यार, मिलनी यार। तो, बट इसका <laughs> है कि, देव स्टार्टेड थोड़ा सा जो ओवरसीज प्लेयर्स दे स्टार्टेड मेनिपुलेटिंग दिस्टम कि आप बिग ऑप्शन का हिस्सा मत बनो मिस दी आईपीएल टू द स्मॉलर ऑप्शन स्मॉलर ऑप्शन में क्या होगा पर्स है प्लेयर्स कम है सप्लाई डिमांड है इनफ्लेटेड प्राइसेस जो है रूफ बट डेट मेक सेंस इफ यू कुछ वन थिंग इन द गेम क्रिकेट वट वुड इट बी कुछ राइट ना इंडियन क्रिकेट में इंडियन चेंज करना चाहोगे इट कैन बी आई पी एल ओकेट कैन बी आई पी एल इट कैन बी इंडियन क्रिकेट इट कैन बी प्लेयर इट कुड भी वन थिंग जो मुझे लगता है अभी ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक जो जो uh, गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है ना आई थिंक दैट इज वन थिंग जो आई पी एल में हो सकती है जो कि नहीं हो पा रही है अभी आई डों क्यों नहीं हो पा रही है आ, पर हो नहीं चाहिए सी, अभी क्या हो रहा है कि पूरा बीसीआई का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, जो नेट है इट इज इट इज एक्चुअली कैप्चरिंग ऑल द टैलेंट दैट अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टैलेंट Uh, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्ट का भी मुझे चाहिए मुझे वनडे का भी चाहिए उसमें टी में तो चलो ठीक है आई पी प्लेज अ रोल पर उनका फोकस जो रहेगा वो हमेशा रहेगा कि मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड ऑल ऑफ दैट सो दे आर डूइंग व्हाट दे कैन डू एंड मोर आईपीएल टीम्स को ना अलाउ नहीं किया है हमने टू एक्चुअली टैप इनटू अ टैलेंट पूल जो शायद अवेलेबल तो है पर अनएक्सप्लॉयटेड अनएक्सप्लोर्ड है अभी फॉर अ सिंपल रीजन कि uh, अगर आप प्रीमियर लीग देखें Hmm. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन गो एंड स्काउट फॉर अ किड अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी ला सकती है उसको 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है और इंश्योर कर सकती है कि मैं आई विल मेक अ मैसी आउट ऑफ हिम एंड आई विल कीप हिम जो करती है हां करती है ना दैट्स दैट्स देयर मॉडल सो एंड देन दे कीप हिम और एक दिन फिर उसको ट्रेड करती है जब उसका मन करता है वो वाली लग्जरी अभी तक ना हम अपनी आईपीएल टीम्स को नहीं दे पाए हैं तो आईपीएल की टीम्स हो सकता है वेल well इंटेंशन भी अगर कोशिश करती हैं किसी को नर्चर करने का जो कुछ करती हैं फ्रेंचाइज बट इट काउंटर प्रोडक्टिव क्योंकि तीन साल के अंदर दैट प्लेयर डज नॉट बिलोंग टू मी एनी तो मैं तीन साल के लिए क्यों इन्वेस्ट करूं तो मुझे लगता है ये एक चीज है जिसमें कि अगर सिर्फ टी ट्वेंटी स्पेसिमेंट्स तैयार करने हों क्योंकि आईपीएल को और कुछ नहीं करना hmm. तो उनको को जाओ कर लो यू फाइंड अ प्लेयर इट कुट अ कैप ऑन इट कि भाई मुझे आप सिर्फ बारह साल से छोटा लड़का लोगे या चौदह साल से छोटा लड़का ही आप लोगे जो ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट की बी सी सी आई की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आया इंटीग्रेटेड नहीं है क्योंकि यू डोंट वांट कि यार hmm. चौदह साल का बच्चा एक किसी फ्रेंचाइज ने लिया उसको बहुत पैसे दिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया एंड देन दैट गाई इज नॉट प्ले अवेलेबल फॉर यू कि वो नहीं चाहते हो आप बट अगर कोई बारह साल का बच्चा जिसको टैप ही नहीं किया किसी ने प्लीज यार यू टेक हिम यू कीप हिम फॉर फिफ्टीन ईयर्स और दस साल लगा दो कि भाई दस साल आपके उसके बाद ही कम्स टू द मार्केट तो उतना कुछ आई मीन दैट इज़ वन थिंग दैट कैन एक्चुअली जस्ट फास्ट ट्रैक आ टी ट्वेंटी एवोल्यूशन जो एट टाइम्स वी फील की हम थोड़ा सा लैक टैलेंट भी बहुत बाहर निकल बहुत होगा बहुत होगा हम कोशिश नहीं करते क्योंकि सब चीज़ें हमें चाहिए नहीं ना मतलब एक एक लिमिट है कि हमें कितने ही लोग चाहिए बी सी सी आई को खेलने के लिए तो जितने आ जाते हैं उतने ही ज्यादा हैं करेंटली तो उससे ज्यादा क्यों ही जाके ढूंढे बट आईपीएल दैट कैरेट जिसमें वो कह सकते हैं कि यार ओके लेट मी डू दिस बिकॉज शायद मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो जो दर बी क्रिएट एन मिस्ट्री स्पिनर दैट नो सीन बट पहले ये बताओ कि रणजी ट्रॉफी में जो क्रिकेटर खेलते हो कितने पैसे कमाता है सो uh, so अभी कितने कमाता है आई डोंट नो एक्चुअली तो पहले टेन थाउजेंड रुपीज पर डे मिलते थे शुरू में बहुत कम मैच डे हाँ मैं फर्स्ट सैलरी वो सत्रह सौ रुपये मैच की देट वॉज नाइनटीन नाइनटी सेवन उसके बाद सब्सटैशियली थोड़ा 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 थोड़े बढ़ती रही सब्सटैशियली बड़ी जब IPL आई आई एक्चुअली पहले थोड़े थोड़े से इंक्रीमेंट से आई के बाद सडनली यू सॉ अ अजम्प क्योंकि बीसीआई के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए uh, तो टेन था थाउजेंड रुपी पर डे वॉज यॉज योर फी एंड देन यू गॉट अ परसेंटेज जो बोर्ड का प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज ओके सो दैट वेरी तो बिहार नाइटरेड अच्छा एक महिने में कितने पैसे बन जाते हैं मतलब लाख डेढ़ लाख रुपए एक मैच का लगा लो अगर आपने साल भर में खेले आठ दस मैच तो आठ दस लाख रुपए आठ दस पंद्रह लाख रुपए दस पंद्रह लाख रुपए बन जाते हैं अभी भी उतना तो बन जाते हैं उससे ज़्यादा ही बन जाते होंगे सकता अभी

आ लेकिन अब जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ते जा रहा है तो बढ़ते जा रही है यू आर अबाउट कॉमेंटेटर्स एंड हाउ मच मेक्स इन कितना बना सकता है कोई कॉमेंटेटर hmm, मैच make... फीस होती match है कॉन्ट्रैक्ट फीस होती है। पर पर मैच जनरली, मोस्ट में प्रो फ्रेशर उसको कितने पैसे मिलते हैं और एक हाउ मच कैन दे मेक

बिकॉज यही सिखाया गया था कि न्यूट्रैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट एन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया वंस चैनल सेवन के लिए काम कर रहा था टू uh, थाउजेंड का था इंडिया टोर सो फर्स्ट मैच वी वन एडलेट में अच्छा मैच जीते थे हम पर थम हार गए उसके बाद ना मतलब इन बाय टेस्ट मैच आई रियलाइजिंग कि ये तो दिस इज अल कंट्री एज गैंगडअप अगेंस्ट आस फेल्टज फॉर्मर क्रिकेटर्स करेंट क्रिकेटर्स द प्रेस मतलब कोई बात नहीं है तिल का ताड़ भी मतलब अलग लेवल का कि कोई स्टंप माइक में कुछ आई आवाज़ जड्डू और ईशांत की कोई बात हुई थोड़ खड़े थे यार आपस में बात कर रहे थे जरूर गाली दे रहे थे बट पॉइंट इज कि दे रहे थे, दे रहे थे क्या हुँ। हुँ। हो गया यार आई मीन आइडल्ट प्लेइंग क्रिकेट एंड वो स्टम्प माइक ने पकड़ा इन्होंने उसको एम्प अप किया उसकी क्लिप को मीडिया को थमा दी मीडिया ने उसको चढ़ा दिया अगले दिन मैं अपर्थम हार गए और सो आई वॉज ड्राइविंग समवेयर न्यूज पेपर का फ्रंट पेज में यार देर इज डिस्प्यूट इन इंडियन क्रिकेट टीम मैड ये कहा से आया है ये तो हम टाइम मस्ती में बोलते हैं ये क्या नॉन सेंस है क्योंकि उससे पहले सो so, हमें वो दिखाई थी तो रिकी को मैंने uh, पाउंटिंग था साथ में पॉन्टर को मैंने कहा आई मीन वट आई रबेशन ईट ऑन एयर एंड स्लैम द इंडियन टीम ट हाउ इज राइट लाइक गुड ऑन चैनल सेवन दे गोट मी इन टू दैट स्टेंट एज वेल इच वॉज माई स्टेंट पर दे गॉट मी फॉर माई परसपेक्ट वाइक वोट आर वी टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज नथिंग बट ऑन एयर रिक्की वॉज डिफरेंट ऑफ एयर रिक्की वॉज डिफरेंट एंड देन यू सी दैट एंड देन यू सी द रीड द कॉमेंट्स कि वो फिर वो जस्टिन है या कोई भी है जितने भी लोग है सारे के सारे सेम भाषा बात कर रहे हैं यार एसेड यार ये तो कोई बात नहीं हुई भाई तो मैं तो अकेला इंडियन हूँ यहाँ पे सो फिर मैंने भी झंडा निकाला <laughs> तो मैंने कहा अब न्यूट्रैलिटी गई <laughs> पढ़ <पाड़े>, में तेल लेने भैया <laughs> इंडियन आया हूँ कॉमेंट्री करने तो इंडिया के लिए करूँगा सिंपल सो दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेसन बाकी थोड़ी बायस uh, आप इसलिए भी देखेंगे बायस किस लिए रहता है कि आई डोंट माइंड बींग अ न्यूट्रल आई लव बींग न्यूट्रल बट मेरी जो ऑडियंस है सी अगर मैं हिंदी में कॉमेंट्री कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंडियन से बात कर रहा हूँ हाँ आई True. ये fact cannot be lost on me, yeah, yeah. कि मेरी न्यूट्रलिटी का क्या अचार डालना है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं उसके दिल को छूना चाहिए सो so, मेरे जो बात मैं सिर्फ इंडिया से बात कर Very रहा हूं। fair. तो मैं मैं इंडियन कॉमेंटेटर बोलता हूं जिस yeah. दिन मैं अंग्रेजी का माइक पकड़ूंगा और वर्ल्ड फीड पर जाऊंगा I love it. Yeah, exactly. We should do. आई लव इट आई शुडल मुझे नहीं आ नहीं छोड़ो यार, सही बात <laughs> मैं इंडिया अगर हार भी रही है तो मुझे आकाश के मुंह से सुनना है, <laughs> <laughs> <की>, <laughs> यार, देखो, है भाई हम जीत ले। टेंशन मतलब क्योंकि बहुत डिफिकल्ट जॉब है दिन भर आपका आवाज का ध्यान देना है एक्चुअली कुछ करते हो स्पेशल नॉट नथिंग नथिंग एज सच जस्ट आइट आई ड्रिंक कोल्ड मतलब मैं ठंडा पानी भी नहीं पीता हूँ और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक तो टच भी नहीं करता हूँ आई डोंट ड्रिंक सो लाइफ गुड बर्फ बर्फ से दूर रहता हूँ <laughs> <laughs> कुछ ना ना गॉड्स ब्लेस मी विद का थ्रो अच्छा है

अल सी यू नेक्स्ट टाइम ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा एंड जाने से पहले डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब अल सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट